संवाद ही तो बहुत अच्छा, मतलब कि मोटिवेट करो वाला, मतलब उनका प्री का रिजल्ट, कई लोग वही बोल रहे थे प्री का रिजल्ट जैसे नहीं हुआ सर तो मोटिवेट होता, तो अपने को तो बहुत मजा आता है प्राइवेट, मतलब ज्ञानबाजी देने में, मैं ये था मैं वो था मैं तो मतलब समझ रहे हो ऐसे था, तो बताने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसा कुछ आप लोग के बैच में भी है क्या, जैसे एक्चुअली कई लोग नहीं आ रहे, एक दो लोग को जैसे मेरे को चेहरा याद है नहीं दिख रहे हैं, आप लोग ठीक हो, मतलब एंट्री वेंट्री बढ़िया फिट फाट है, दीजिए नोट्स दे दीजिए कोई, एक 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 हिंदी एक करवाया जेरोक्स की नहीं, बाप रे लट्टे पट्टे दो भाई, एक इंग्लिश मीडियम, हाँ आप भी अभी दिख रहे हो, एग्जाम एग्जाम छोड़ो डांट का इनका, इनको बता देना भाई कौन सा डांटा हो इन लोगों का, उन लोगों को डांटा था कल, ऑनलाइन ऑनलाइन डांट खाए ना, हाँ ठीक है चलो चलेगा। अच्छा लास्ट क्लास में देन क्या कंप्लीट किए थे बताइए, लोकाचार और लोक लोक रीति और देन उसके बाद जो अचार बनता है लोकाचार, समझ में आया आप ऑनलाइन, आपको ठीक ठाक समझ में आया, ठीक है तो बताइए सिलेबस देके अगला टॉपिक क्या है, व्यक्ति एवं समाज, वो तो हेडिंग का नाम होगा शायद, हाँ तो देखो व्यक्ति एवं समाज मतलब पर्सन पर्सनल पर्सन एंड सोसाइटी, वो हेडिंग का नाम है राइट, उसके अंदर क्या लिखा है, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल प्रोसेस या सोशल इंटरेक्शन, ये मुझे याद है मेरे टाइम पे आया था ये क्वेश्चन, ये लगभग आता ही है मेंस पे, ठीक है एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन एंड देन हम, आप लोग खैर पुराना पेपर आई होप रखे होंगे, कुछ लोग धीरे धीरे लाना चालू कर रहे होंगे ठीक है, उसको यूज करना आ रहा होगा उनको तो अच्छी बात है, तो सोशल इंटरेक्शन या सोशल प्रोसेस, अच्छा मैं आपको बात बता रहा हूँ एक अच्छी चीज बताऊंगा कि ना मतलब आप कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ समाज, उसका इंग्लिश भी जरूर पढ़ा कीजिए सोसाइटी, अब वो इजी करके पता रहता है ना, अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है ना कई बार जैसे बहुत सडन प्रेशर रहता है, मैंने इतनी प्रैक्टिस किया था पर एक्चुअली क्या है ना सोशल अंतःक्रिया की जगह सोशल प्रक्रिया आ गया था, और एक्चुअली सेम चीज है, तो हिंदी इंग्लिश भी जाने और एक दो ऊपर नीचे के शब्द अगर आपको पता रहते हैं ना, इसलिए तो सिलेबस पे इतना फोर्स करता हूँ मैं, क्योंकि आपको अब मैंने अंतःक्रिया पूरा पढ़ के आया रखा था, मैं मुझे अच्छे से पता था आने वाला, मैं पढ़ के रखा था आया प्रक्रिया, बच्चों एंड टाइम पे दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, पता है आप लोग को लग रहा होगा सर आप इतने क्या सर ये तो मैं ऐसे ही बना देता टाइप से, सही बात है लेकिन एंड टाइम पे कहाँ आप ट्रिप कर जाए ना, आपका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाए पता नहीं चलता, तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप कोई भी मीडियम को, दोनों शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी हिंदी के दो चार शब्द हो जाते हैं क्या, पर अंग्रेजी का तो सेम शब्द होता है आमतौर पे, तो उससे कैच हो जाते हैं, ऐसे मेरा शायद कौन सा एक क्वेश्चन छूटा था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो आपका प्रथागत कानून पढ़े हो पेपर 7 का पार्ट 1 में ही है, प्रथागत कानून कस्टमरी लॉ, अब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि प्रथागत कानून मुझे लिटरली पता था कि आने वाला है, इतने बार बनाया था एग्जाम में ना एंड टाइम पे, शायद वो कस्टमरी लॉ में आया कि व्हाट कस्टमरी लॉ क्या है, अब कस्टमरी लॉ में पहला शब्द क्या दिख रहा है कस्टमर, तो लिख दिया कस्टमर के नाम से जो लॉ बनता है कस्टमरी लॉ, जबकि प्रथागत कानून वो होता है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं कुछ लॉ ना, जो बरसों से गाँव वाँव में चले आते हैं उसको प्रथागत कानून बोल देते हैं हम लोग, पता था लेकिन नहीं लिख पाया, तो इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा अगर आप सभी सब्जेक्ट में, तो यू विल गेट गुड कैच होल्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन पे बताना चाहेगा, नाम से समझ में आ रहा है, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते हैं जो बीच में प्रोसेस होता है वही क्या है सोशल इंटरेक्शन, इसका भी की वर्ड मैं आपको एक मिनट देख के बता रहा हूँ, एक तो जो आपने कम्युनिकेशन बोला दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट वो एक की वर्ड है, एंड द अदर की वर्ड इज यस ऑलमोस्ट, देखो ये लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया, ये हम पढ़ेंगे ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया में डेफिनेटली जो इंटरेक्शन, तो हम सब जानते हैं कि व्हाट यू कॉल इंटरेक्शन है ना, लड़ाई झगड़ा इंटरेक्शन हो सकता है, एक दूसरे को हेल्प करना इंटरेक्शन हो सकता है अंतःक्रिया, बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज की वर्ड्स बताइए जिसके बिना आपका डेफिनेशन इंपैक्ट हो सकता है मतलब नल हो जाए, बिल्कुल जीरो मान लिया जाए वॉइड हो जाए,
क्या है वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपका इंटरेक्शन जब होगा तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या रहेंगे, कैसे होगा इंटरेक्शन, जो आपने बोला क्या कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग इज कि देयर विल हैव टू बी अ कम्युनिकेशन अमोंग अस, ठीक है, कम्युनिकेशन एक रहेगा। एंड सेकेंड थिंग इज जो उसमें लिखा है आपके हिंदी में नोट्स में साफ साफ आप देखेंगे यहां पे कॉन्टेक्ट, ठीक है, सामाजिक कॉन्टेक्ट, समहाउ देयर हैज टू बी अ कॉन्टेक्ट, ठीक है, उसी प्रोसेस को लेना। अब अपने मन से डेफिनेशन मत लिख देना कि जो समाज प्रक्रिया होती है सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है, आपको ये दो वर्ड के साथ डेफिनेशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कीवर्ड समझ में आया। अब देखो इसके क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, आप लोग भी देख के बता सकते हैं, मैं भी देख के बता रहा हूं। सामाजिक अंतःक्रिया, मैंने ये सामाजिक प्रक्रिया में लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ 2014 में आया है कि व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन, लिख सकते हैं जो लिखना चाहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, डेफिनेशन 2014 दिखा आपको, बहुत बढ़िया। फिर आप देखिए 2016 में क्या आया है, बताओ को देख के 2016 में क्या आया है, एक वर्ड बताइए क्या है एग्जैक्टली, एक वर्ड, बेसिस, आप नोटिस कीजिए एक वर्ड। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, जो बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको समझना है और पढ़ाई के दौरान भी समझना है कि आप किसी भी चीज को एक शब्द में या कम से कम शब्द में, समझ रहे हो ना, काम की बात। देखो आप डेली इंटरेक्शन आपका होगा सचिव से या कलेक्टर से, अब उसके सामने जाके लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जैसे आपको जैसे मैंने बोला है, डांटती ना बता रहा हूँ, नहीं पढ़ पाओगे सर, आपसे बोलोगे मान लो कलेक्टर ने पूछा क्या आया था 2016 में, सर वो एलिमेंट्स पूछा था सर, वो सोशल इंटरेक्शन, इतना ही बोलना है काइंड ऑफ, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक। तो ये ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, धीरे धीरे आप तो समझेंगे। तो क्या क्वेश्चन आया था, बेसिस, ये पढ़ चुके हो क्या आप लोग मेरे से, बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अच्छे से सोच लो, पढ़ लियो इसका आंसर, कहीं लिखा हुआ कुछ पढ़ा हुआ कुछ लग रहा है क्या, भारी बुद्धू हो भाई आप लोग, यही तो लिखा हुआ बोल रहा था इसी को, मैं बोला आप लोग कोई ना कोई बोल दोगे, यही उसका आंसर है। बेसिस जो है ना, ये कुड बी द एलिमेंट्स, जो बेसिक एलिमेंट्स है ना, ये आ जाएगा, ये होना ही चाहिए, बेसिक एलिमेंट है ये, ओके, ये उसका बेसिक एलिमेंट है कि कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। आई होप ये याद हो गया आपको, ये जस्ट याद कराने का तरीका है बच्चे, ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर रहा था मैं इसके ऊपर, याद कराने का तरीका है। ये हो गया आपका बेसिक एलिमेंट, जो मैंने समझा है क्वेश्चन को, ठीक है। 18 में क्या आया बताइए, कुल मिला के डेफिनेशन, अगर मार्क्स ज्यादा है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, टाइप बता देंगे, दो नंबर का है तो डेफिनेशन लिख दोगे, अगेन ये दोनों लिखना पड़ेगा, बेसिक एलिमेंट्स के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आया बताओ, दिख रहा है, देखो सेम क्वेश्चन आपको कितने बार दिख गया बताओ, कि सामाजिक प्रक्रिया को, सोशल इंटरेक्शन को डिफाइन करो, कोई काउंट कर पा रहा है कितने बार दिख गया अब तक, 3 से 4 बार तो मुझे दिख रहा है, सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन, और उसमें आया है 19 का आपने स्किप कर दिया मैडम, क्योंकि आप नहीं अभी समझ पाई हो, कोई बात नहीं। सोशल इंटरेक्शन के 3 तरीके होते हैं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, तो प्रतिस्पर्धा आया है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 2019 में कंपटीशन, जो आप लोग दे रहे हो राइट, सबके सब कंपटीशन दे रहे हैं ना पीएससी, तो उसी को बोला है कि एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन या जैसा भी वर्ड होगा, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, ओके, 2019 में ये आया है। फिर देखो 20 में क्या आया है बताना चाहोगे आप, ठीक है, यही मैं आप लोग को बोल रहा था, सहयोग वाला क्वेश्चन डिटेल से आया था मेरे टाइम पे, और मैं ना इसको जानते हुए भी नहीं लिख पाया। देखो क्या लिखा है, सामाजिक प्रक्रिया, और इस सिलेबस का टॉपिक क्या है बताओ, सामाजिक अंतःक्रिया। अब बच्चा एकदम से दिमाग ट्रिप हो गया, एकदम से आदत में था प्रक्रिया, अंतःक्रिया अंतःक्रिया अंतःक्रिया, प्रक्रिया आया, मैं दिमाग ट्रिप हो गया, और पता है इस बेवकूफ टाइप, इसको पढ़े हुए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसका मेरे पास डिटेल्ड आंसर आपके नोट्स में दिखाऊंगा मैं, लेकिन मैं सोचा ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं यार, अंतःक्रिया को पढ़ा था, प्रक्रिया आ गया, एकदम से दिमाग ट्रिप, और वो अथवा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, और उसके वो बताओ क्या बोला है, सिद्धांत, मेरे कुछ नहीं आता था, और मैं इतना बेवकूफी किया था इस क्वेश्चन में, मैं जाके सिद्धांत लिखने बैठ गया, आधा लिखने के बाद समझ में आ गया साला ये तो पढ़ा ही नहीं हूं मैं कभी, ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं पढ़ा था। तो ये आपका ट्रिप करता है एंड टाइम पे दिमाग, उसके लिए भी यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, आप कितना प्रयास कर लो बच्चा, एक ना एक जगह आपका दिमाग ट्रिप होना ही है, ठीक है।
और आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, शायद दो नंबर में आया होगा, संघर्ष की परिभाषा भी आया है 2020 में। ओके आपको मिला क्या 2020 में? कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को डिफाइन करो, ये 20 में आया है। ठीक है फिर देखो अगेन 21 में क्या आया है, कोऑर्डिनेशन या सहयोग को एक्सप्लेन करो और कॉन्फ्लिक्ट को इंपॉर्टेंस बताओ। अब 22 में कुछ आया है? 22 में भी कुछ आया है क्वेश्चन इसका? 2022 में पेपर रखे नहीं हो आप? ले कहाँ गया 22 कहाँ गया? कल तो बताया था मैंने, कोई 22 का पेपर नहीं रखा है क्या? ले 22 सीएससी का नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है? अरे तो प्रिंट आउट लेना चाहिए ना, ऑनलाइन अवेलेबल है वेबसाइट है मेरे। अच्छा मतलब मेरी तरफ से गलती हो, सही में यार हाउ इज इट पॉसिबल, हर साल आया इस 22 में नहीं आया। चलो ठीक है, चलो ये सोशल इंटरेक्शन का डेफिनेशन क्लियर हुआ। ठीक है इसके बाद आप सीधे सीधे मेरे साथ पढ़िए, डेफिनेशन क्लियर हुआ। ठीक है सोशल इंटरेक्शन इज एन कैनचे इन्फ्लुएंस, ठीक है, या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं होता हालांकि, जो इम्पैक्ट या जो प्रभाव हम आपस में डालते हैं, प्रभाव कैसे प्रभाव डालते हैं, ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि कॉन्टैक्ट सामाजिक संपर्क और संवाद के द्वारा हम जो इफेक्ट, इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस एक दूसरे को करते हैं वो क्या हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन। तो अगर सोशल इंटरेक्शन आपसे कोई एक वर्ड पूछे तो क्या होना चाहिए, इफेक्ट या ये इन्फ्लुएंस, सोशल इंटरेक्शन का एक वर्ड क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपको मेरे कारण। ठीक है और वो कैसे पड़ रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। वो आई होप द डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर। ठीक है जो आपको 3 से 4 बार आ गया देखो ये आपके सामने उसका आंसर है, फाइन। देन आप सीधे सीधे यू जस्ट कम टू द टाइप्स कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स आपके सिलेबस में लिखा है, कोई देख के बताएगा? इसके टाइप्स देख के बताओ। 1 इज सहयोग, देन अच्छा संघर्ष, मुझे याद है मैं आपको एक शब्द में इसको एक्सप्लेन किया था, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में समझाया था, चलो याद नहीं होता एक बार में ऐसे बताऊंगा। सबसे पहले तो देन क्या है, सहयोग या कोऑर्डिनेशन। तो बताइए क्या है सहयोग, किसको बोलेंगे? ये तो सबको पता है यार, इसमें कुछ बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं है। व्हाट डू यू कॉल सहयोग, मदद करना, और कुछ बताओ। तो सोशियोलॉजी के चश्मे से उसको डिफाइन करो, लंबा चौड़ा वो चतुर जैसा, लंबा चौड़ा टेक्निकल हाईफाई शब्दों में कुछ बताओ, प्रयास करो। 7 दिन है, फाइन, थोड़ा चतुर बनो, आई मीन चतुर पे ऐसा सोचो। किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक साथ काम करते हैं, यू विल नोटिस कि हमारे काम करने का जो डायरेक्शन है वो एक ही रहेगा, काम करने का डायरेक्शन एक ही रहेगा। जैसे अगर घर बनाने में मुझे किसी का सहयोग करना या चाहिए तो मैं भी ईंट लगा रहूंगा और हो सकता है आप भी ईंट लगा रहे होगे या फिर आप ईंट का मसाला तैयार करोगे, डायरेक्शन तो वही है ना घर बनाने की ओर, उल्टा तो नहीं है ना कि मैं यहां से लगा रहा हूं ईंट और यहां से आप ईंट निकालते जा रहे हो, देन यू विल नॉट कॉल इट सहयोग, राइट। तो सहयोग का डेफिनेशन आई थिंक इट इज क्लियर कि एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो यूनिडायरेक्शनैलिटी है, यूनिडायरेक्शन या जो आपका जो एफर्ट्स है इट इज गोइंग इन अ पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, सहयोग। ठीक है सहयोग का डेफिनेशन मैं देख भी लेता हूं, हाँ जो आप लिखे हो हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है ये आपके डेफिनेशन में लिखा है ना, सीधे सीधे याद करना है। ठीक है सहयोग का डेफिनेशन समझ में आया, समान उद्देश्य, सेम गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, टू वर्क टूगेदर, और इसका आप लोग देखेंगे ना तो ये सब रटना रहता है, कोऑपरेशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, को प्लस ऑपरेरी। ठीक है इसका जो इंग्लिश वर्जन है कोऑपरेशन वो दो शब्दों से मिला है, को प्लस
ऑपरेरी, को मतलब कि साथ, और ऑपरेरी मतलब काम करना। तो कुल मिला के इसका लिटरल या वर्बल मीनिंग क्या हो गया, साथ मिलकर काम करना या कार्य करना। ओके, अगर आपसे पूछेगा कि सहयोग का अर्थ समझाइए तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे समाजशास्त्र में पढ़े थे ना वैसे लिखने का तरीका भी सेम हो सकता है दैट वे। चलो अब इसके फीचर्स, ये बहुत टेक्नोलॉजी, इसमें आपको नोट्स की जरूरत नहीं, खुद से आप सोचो सहयोग के क्या फीचर्स हैं। जैसे मैं बताता हूँ, सहयोग का फीचर एक ये हो सकता है कि भाई इससे आप समाज में एकता बनी रहती है, सही बात है कि नहीं, समाज में एकता स्थापित होगी, मानसिक शांति, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। मैंने एक बता दिया इसका एक फीचर, आप लोग बताते जाइए क्या फीचर होंगे, सहयोग या कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषता है। सामाजिककरण में सहयोग, हाँ बोल सकते हैं, मैंने ऐसा ऑफिशियली पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट और बताओ। हाँ, इसको आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोला आपने, आप बोलेंगे कि ये एक कैसा प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बोथ, अलग अलग भी लिख सकते हो, टाइम फ्रेम में भी और प्लेस फ्रेम, मतलब रीजन फ्रेम में भी, मतलब कि दुनिया के हर देश में, हर स्थान में, हर समाज में, हर समुदाय में, एवरीवेयर कोऑपरेशन तो रहेगा ही। एंड देन आप ये भी बोल सकते हो कि दुनिया के हर टाइम फ्रेम में, हिस्ट्री हो या फ्यूचर हो, कोऑर्डिनेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो तो रहेगा ही। तो आपकी बात को मैंने थोड़ा टेक्निकल कर दिया, बाकी बात वही जो आपने कहा। और बताइए व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सहयोग। यस सेम थिंग भैया, ये वी फीलिंग को एनकरेज करेगा, ठीक है, अपने मन से बोलो बिना देखे, व्हाट डू यू फील, सहयोग में क्या क्या फीचर हो सकते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उतने में आंसर बन जाते हैं। यस, कॉमन गोल अचीव करने में हेल्प करता है, वही तो उसका उद्देश्य है, ठीक है। और बताइए, आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं, अगेन ऑल दो फीचर्स जो आपके दिमाग में आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ देख के बता देता हूँ, कॉमन गोल, हम की भावना, हाँ दिस इज थिंग, कि ये आपस में आप बोल सकते हैं जागरूकता या अवेयरनेस लाता है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑफ हिम, अवेयर ऑफ हिम मतलब उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि डेफिनेटली मैं आपको ऐसे नोट्स देके सपोज हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प क्या कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ मतलब, है ना, तो देन हमारा भाई मैं आपके लिए जागरूक हूँ, मैं आपके लिए कंसर्न हूँ कि यार इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, नोट्स मिलना चाहिए, पढ़ना, दैट बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ, आई एम कॉन्शियस अबाउट यू, तो हेल्प हो रहा है तो जागरूकता तो रहेगी आपस में, फाइन। और क्या इसमें दिख रहा है, अनलिमिटेड लिखा है, मतलब कि इसका कोई वो नहीं है, और छोर नहीं है, सहयोग भाई किसी भी लेवल से स्टार्ट होके किसी भी लेवल तक जा सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपका जितना सहयोग करते हैं उतना शायद कोई नहीं कर सकता। सबसे खराब जो, मतलब मेरा नाम बहुत चिड़ मचने वाला मुद्दा है, सहयोग के नाम पे जो आपका बिल्कुल वर्तमान और भविष्य खराब करने वाले लोग होते हैं वो है दोस्त, ठीक है। अभी आप लोग का उन भावनाओं को नहीं समझते हैं कि लगता है टीन एज में है, मस्तीबाजी के एज में लगता है मेरा भाई है, मेरा सगा है, शादी में कोई किसी को नहीं पूछता, आप खुद किसी, आपका अगर रिजल्ट नहीं आया और बाजू वाले का रिजल्ट आ गया ना, देन तो आप उससे कभी बात नहीं करोगे आगे, एकदम क्लियर बात नहीं, क्योंकि जो जलन होती है वो नेचुरल टेंडेंसी मुझ में है, आपके में है, आप उससे बात नहीं करोगे तो दोस्ती अपने आप ब्रेक हो जाती है, डोंट वरी। और अगर आपका निकल गया वो उसका निकल तो फिर वो बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत मैं जितना मैं समझ रहा हूँ आपके पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, अपना सारा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में रखिएगा, दोस्ती बाजियों की, दोस्त लोग क्या फिर टेस्ट मध्य पिक्चर देख के आते हैं काइंड ऑफ रहते हैं तो वो बहुत डिजास्ट्रस होता है। तो पीएससी को जितना जल्दी निकाल लो उतना अच्छा है, सही लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते रहे, जो आपकी गलती पर डांटे, मतलब दोस्त को जज करने का मेरा तरीका ये था, जैसे आप लोग होली में क्लास नहीं आ रहे थे, जो आपका दोस्त होगा वो आपको फोन करके गाली गलौज देगा, डांटेगा इस तरह क्लास क्यों नहीं जा रहा है, मैं तेरा दोस्त तो मेरे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और वो सबसे खराब क्वालिटी के लोग हैं जो आपको और इनकरेज करता है, क्या होता है लाइफ, चार दिन की मिली है तो सारा चार दिन क्लास ही चला जाएगा तो बचेगा क्या दिन, चल मूवी चलते हैं, काइंड ऑफ दो दोस्त होते हैं, बहुत डिजास्टर्स होते हैं। और दोस्ती बनाना, एक बार आप सक्सेसफुल हो जाइए फिर आप दोस्ती निभा सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आज हमारे सब अच्छे दोस्त हैं जिनसे लड़ाई होती थी, तो फाइन, ठीक है। सार्वभौमिक है ये, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंग्लिश, शायद मेरी गलत हो मत हो, कॉग्निटिव मतलब कि चेतन प्रक्रिया है। व्हाट इज चेतन, व्हाट इज कॉग्निटिव, इंग्लिश का वर्ड मैं एग्जैक्ट देख लेता हूँ, मतलब ये आप बाय मतलब क्या बोलते हैं, बाय पर्पस करते हैं, बोलते हैं ना ऑन पर्पस, प्रायोजित, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट प्रोसेस है, सोच समझ के करने वाला प्रोसेस है।
इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, इस प्रक्रिया को, इसको अभी आप होल्ड में रखो, जब मैं आपको संघर्ष और प्रतिस्पर्धा समझाऊंगा ना, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, तब आपको इसका महत्व तो समझ में आएगा कि मैंने इसे क्यों कहा। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन होल्ड, मैं अभी समझाऊंगा तो आपको उसके बाद ही क्लियर होगा। कॉग्निटिव इंग्लिश में मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसका, कॉग्निटिव ही होना चाहिए, सॉरी कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस, या ठीक है कॉन्शियस, फाइन सॉरी, ठीक बोल रहे हैं, कॉन्शियस ही होगा, इट इज एन कॉन्शियस अटेम्प्ट। ठीक है, यस कॉन्शियस अटेम्प्ट, यूनिवर्सल है, कॉन्शियस है, और ये एक चीज और मैंने लिखा है, इट्स एवर गोइंग, मतलब एवर गोइंग एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये लगातार चलने वाला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ना कभी स्टार्ट हुआ था समझो, ना ये कभी खत्म होगा, सहयोग हमेशा जिंदगी में रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दिखे, पर्सनल भी इसमें मैंने लिखा है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए पर्सनल अटेम्प्ट होता है, यूनिवर्सल, कॉमन एंड ऑर्गेनाइज, सब मैंने बता दिया लगभग। ठीक है, देन आप देखेंगे इसके बाद इसमें आगे है कि सहयोग का महत्व, अगर आप लोग को याद हो तो किसका महत्व आया था, संघर्ष का महत्व आया था, जब संघर्ष का महत्व आया है तो अब क्या आ सकता है, सहयोग का, दिस इज द एडवांटेज अगर आप पुराने पेपर्स को साथ में लेके पढ़ते रहते हैं तो। ठीक है, तो सहयोग का महत्व क्या होगा आप लोग बताओ, सहयोग का क्या इंपॉर्टेंस है जी, जो जितने पॉइंट्स हम लोगों ने अभी बताए सब कुछ है, सामाजिक एकता, यूनिटी बने रहेगी, समंजन, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समंजन मतलब कि आप उससे एडजस्ट कर लेते हो, समंजन आपस, सॉरी सामंजस्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे एग्जैक्ट, आज मैं तो ऑफिस से आई एम अ बिट टायर्ड, डायरेक्टली ऑफिस से यहाँ आना पड़ा होगी घूम घाम के, तो सामंजस्य मतलब कि बताओ जी आप, अच्छा बता देते हो, कोरिलेशन, सामंजस्य आपस में, मतलब आप सही अंडरस्टैंडिंग रख में बनाने में हेल्प करते हैं, और बताइए सहयोग का क्या इंपॉर्टेंस है जी, गोल अचीव करना, अगेन ये आपको मानसिक संतुष्टि या मानसिक शांति प्रदान करता है, राइट, आप सुबह से निकले हो कहीं से लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये डेफिनेटली आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, देयर यू कैन राइट कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और बताइए एक्टिवनेस, बिल्कुल बोल सकते हैं एक्टिवनेस, एक्टिव रखता है आपको, जागरूक रखता है, अवेयर रखता है, और ठीक है वो अब फीचर्स में आ गए, इंपॉर्टेंस को थोड़ा और बताओ ना, इंपॉर्टेंस जैसे मैं जो देख के लिखा है वो बता देता हूँ। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, आपकी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी होती है, राइट, इमीडिएट नेसेसिटी, लाइकवाइज समवन की नोट्स चाहिए आपको, या आपका सहयोग करता है तो नोट्स आपको इमीडिएट मिल जाता है, सहयोग नहीं करता है तो, उसी मेरा वो जो सुबह जो बच्चा मिला था ना, बोल रहा था सर थोड़ा गाइड कीजिएगा, वो थोड़ा दुखी था, वो यही बोल रहा था कि सर किसी से कुछ मतलब क्लास वास नहीं, किसी कुछ काम बोल रहे, बोल रहे थे नौकर थोड़ी ना बैठा हूँ करती, नहीं करूंगा तेरा काम ऐसा कुछ, आप लोग क्लास में यूनिटी एकता है, मतलब पढ़ाई वाली एकता, एकता मतलब पढ़ाई वाली है सही में, ठीक, अचीव गोल्स, एग्जिस्टेंस, ये इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, एग्जिस्टेंस के लिए आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस के लिए, सी आप ऐसा सोचिए कि एक पर्सन है वो अभी ही इज इन फिजिकल रिक्वायर, मतलब फिजिकल उसको एक क्राइसिस है कि भैया पीएससी निकालना तो है, मैं निकाल भी सकता हूँ पर अभी 2-3 साल तक पैसा नहीं है, तो अगर आपने उसको सपोर्ट किया, सहयोग किया, तब ना उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, अदरवाइज वो तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत एक वेग एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अब कहीं भी अगर आप देखेंगे किसी भी स्पीशीज को या किसी भी नेचुरल चीज को भी, अगर सहयोग नहीं रहेगा तो उनका एग्जिस्टेंस ही शायद खत्म हो जाए। ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, आपका एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में प्रोग्रेस होता है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समाज का क्या होता है, हमेशा प्रोग्रेस ही होता है, अगर सहयोग रहेगा तो समाज में प्रोग्रेस रहेगा ही रहेगा, लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ये बहुत साइकोलॉजी टॉपिक है, इनफैक्ट मुझको बहुत पर्टिकुलर इसमें लग भी नहीं रहा है कि मैं क्या वैल्यू एडिशन करूं, जो लिखा है रटना है, कुछ खास नहीं है। सहयोग, आई होप इज गेटिंग क्लियर, सहयोग क्लियर हुआ। ठीक है, ये थोड़ा बताने में मजा आता है, नेक्स्ट इज संघर्ष के कंपटीशन है सिलेबस में, नहीं नहीं पहले क्या है पूछा था भाई, संघर्ष पहले, चलो
कॉन्फ्लिक्ट, ये मुझे बताओ, ये थोड़ा बताने में मजा आता है कि व्हाट इज संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, ये थोड़ा सा समझाने वाला मुद्दा हो जाता है। सहयोग इजी था, ओके तो वही तो है, मतलब वही तो क्या है, मतलब व्हाट इज संघर्ष, इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट ही बोलते हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रगल तो नहीं लिखा है ना, स्ट्रगल लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, अरे बाप, हाँ एक्चुअली वो बुक्स, इसलिए मैं भी हल्का सा कंफ्यूज हुआ क्योंकि बुक्स टू बुक्स वेरी करता है, तो बोथ आर सेम, बट व्हाट इज एग्जैक्टली एज पर द ऑफिशियल सिलेबस कॉन्फ्लिक्ट ही है ना, आई एम राइट ओनली, हाँ कॉन्फ्लिक्ट, तो बताइए व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट जी, डिफरेंसेस ओपिनियन, ठीक है मैं बताऊं आपको सोशियोलॉजी के एंगल से पढ़ा, आप यू आर नॉट रॉन्ग, ना आप गलत बोल रही है ना वो गलत बोल रहे हैं, इन सोशियोलॉजी आपको इसको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है, पहले तो मैं बताऊं कि बहुत दूर तक कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन साथ साथ चलते हैं, तो डिफरेंस कौन से स्टेशन में आता है वो भी बताऊंगा, अभी आप देखोगे इनका कॉमन है ना, ट्रेन कॉमन है इनकी, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन, क्या कॉमन स्टेशन है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन स्टेशन इज कि इसमें आप कोई, ये दोनों में कॉमन है ना, लिमिटेड चीज को, लिमिटेड लिमिटेड सर्विसेज को या लिमिटेड प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए करते हो, जैसे कि लिमिटेड सर्विस में डिप्टी कलेक्टर विद ऑल आर, मैं नहीं आप, मतलब मेरे अलावा वी माइनस वन, वी आर स्ट्रगलिंग या वी आर, मतलब हम लोग डीसी बनना चाहते हैं करी, क्या डीसी की पोस्ट सबके लिए है, नहीं, राइट, देन वो लिमिटेड चीज हो गई ना, और इसको हम सबको पाना है, तो सर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, रुको अभी अगला लास्ट स्टॉपेज में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, पहले स्टेशन तो दोनों जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन की ट्रेन भी और कॉन्फ्लिक्ट की ट्रेन भी, देन ये क्या है, इट्स एन एफर्ट, ये आप प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं वो भी दोनों में कॉमन है, कि आप एफर्ट मार रहे हैं भाई डीसी बनना है सबको, सबको बनना है, ठीक है, देन वेयर इज द डिफरेंस, या उसके बाद आप देखिए आप, अरे यही क्या हो रहा है सर, ठीक है, इसके लिए फिर आप अपने अपने तरीके से एफर्ट लगाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन दोनों में वो कॉमन है कि आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, अपने तरीके से उसको जैसे भी प्राप्त करना है, डीसी का पोस्ट दोनों में ही रहता है, देन वेयर इज द मैक्स स्ट्राइविंग, हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, मैं वहां पहुंच ही रहा था कि दोनों में ही आप स्ट्राइव करते हैं कि मुझे पाना है, देन वेयर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, कब आपको पता चलता है कि आप डीसी बनने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, और कब आपको पता चलता है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आप डीसी बनने के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब पहले ही दे दिया, क्या बोला आपने, किसने बोला, क्या, हाँ क्या बोला, वॉयलेंस, तो इसमें दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है, दो से तीन स्टॉपेज में सीधे अंतर क्रिएट हो जाता है, फर्स्ट स्टेशन जो आप उन्होंने बोला तो मैं बोल देता हूं वॉयलेंस, ये ओ पहले आता है ना, वॉयलेंस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, मुझे थोड़ा ये वॉयलेंस, मैं इसमें क्या दिमाग लगाता हूं, मैं अपना सिलेक्शन हो गया तो ऐसे पराठेदार लिख देता हूँ, कई बार स्पेलिंग मेरे को आती नहीं रहती, तो सामने को पता भी नहीं चलता कि सर को नहीं पता है, तो मुझे ये भी नहीं पता, मतलब ये भी पता है कि क्या नहीं पता है, मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो वॉयलेंस की स्पेलिंग मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्या होता है भाई, ओ आई वी आई ओ, तो पहले ठीक लिखा था मतलब, ठीक है, वॉयलेंस, ठीक है, मतलब कि हिंसा, तो कॉन्फ्लिक्ट में आप सीधे सीधे की बात है हिंसा करते हो, और कॉम्पिटिशन में आप क्या करते हो, हिंसा नहीं करते हो, ठीक है, इससे एक्चुअली इन्होंने बोल दिया तो मैंने लिख दिया, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर एक्चुअली इससे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें आप पर्सनल हो जाते हो, समझ में आ रहा है, और इसमें आप पर्सनल नहीं होते, यू आर नॉट पर्सनल हियर, जी क्या बोले, हाँ अब मैं बोला तो उल्टा कुछ भी बोल ही दोगे, पर्सनल का प्रोफेशनल हो जाएगा उल्टा, सुनो सही, मैं बता रहा हूँ ना उसका उल्टा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आया कि आप हिंसा का फॉलो करते हो, इसमें नहीं करते हो, पर उससे भी एक्चुअली बड़ा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, वो भी सही है, ये है कि आप पर्सनल नहीं होते, जैसे कि मैं
ये देखिए कि मैं मुझे जब मैं आप खुद जब पीएससी दे रहा था ना, तो मुझे सिर्फ एओ बनना था, मुझे एक्चुअली अकाउंट ऑफिसर ही बनना था। तो देन अब देखो मेरा अकाउंट ऑफिसर हो गया, अब मुझे एक्चुअली ना इसमें मैं बोल जरूर देता हूँ आप लोगों को डीसी बनना है, डीसी बनना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं बताऊंगा स्टोरी कभी, एओ ही बनना था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एओ बन के। तो अब मेरे आसपास जितने लोगों को डीसी बनना था नहीं बना था, कुछ लोग बन गए, मेरे कोई जलन नहीं होता क्योंकि मैं कभी भी पर्सनल नहीं था उन लोग से, मुझे एओ बनना था, मैं बन गया ना यार, अब मेरे को क्या करना, कोई बनता है कि नहीं बनता है, आई एम नॉट पर्सनल हियर। कई बार आप देखेंगे, मैं उस समय एग्जांपल आप ही लोग के क्लास में दिया था, मुझे याद है कि दो भाइयों के बीच कभी कभी जमीन जायदाद की जब लड़ाई होती है ना, तो देखा लास्ट पॉइंट में मुद्दा कहाँ तक जाता है पता है, क्या आप पर्सनल हो जाते हो और आप ये बोलते हो कि साला मेरे को मिले ना मिले जी उसको नहीं मिले, जमीन जाए तो जाए। और बच्चों ये आपकी और मेरी सबकी कहानी है, सच में ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट में कि साला इसको बस नहीं मिलना चाहिए, भले मेरे को मत मिले मेरे को चलेगा, समझ में आ रहे हैं। तो जमीन का जायदाद के लिए सपोज आपने कोर्ट केस किया मान लो, और वहां पे आप पर्सनल नहीं हो, वॉयलेंट नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि जमीन पे मेरा हक है, आपने कोर्ट में अप्लाई किया, केस लगाया, वहां आप भाई से गुस्सा भी नहीं हो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, हिंसा भी नहीं कर रहे हो और आप पर्सनल नहीं हो रहे, आपको बस जमीन चाहिए। अगर ऐसा मामला है तो कॉम्पिटिशन बोला जा सकता है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि आप जमीन के लिए लड़ाई करते हो तो आप पर्सनल हो जाते हो और लास्ट में वही लगता है कि मेरे को मिले ना मेरे इसको नहीं मिलना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो एक्चुअली दिस इज इक्वली या उससे ज्यादा या उससे इक्वली ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल होना या नहीं होना। अगर आप किसी मुद्दे पे पर्सनल हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आ सकता है, और अगर आप पर्सनल नहीं हो, इनफैक्ट आप जानते भी नहीं हो कि वो कौन है, जैसे कि जब मैं पीएससी दिया 1 लाख के आसपास लोगों ने पीएससी अप्लाई किया था, क्या मैं उन लोगों को जानता था क्या जो मेरे साथ पीएससी देने वाले हैं, उन लोग तो मेरी कहीं ना कहीं लड़ाई थी कि नहीं, बताओ भैया आप बनोगे या मैं बनूंगा, हर कोई तो नहीं बनेगा, क्या मैं उन लोग को पर्सनली जानता था, शायद नहीं है ना, क्या मेरे को उनसे पर्सनल कुछ वो था क्या, क्या बोलते ग्रज, लड़ाई झगड़ा कि साला इसका नहीं होना चाहिए करके, कुछ लोग के लिए था मैडम, इंसान हूं अल्टीमेटली लगता था साला इसका नहीं निकलना चाहिए साले, मैं फिर भी 1 साल वेट कर ही लूंगा, ऐसा लगता है इंसान का प्रवृत्ति है, लगता है कभी कभी, ठीक है, तो कुछ लोग के लिए था, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से सोचो ऑब्वियसली नहीं था, है ना, कि पर्सनल ग्रज थोड़ी ना कि इसका मत निकले बस, या मैं उनको जानता भी नहीं था कि कौन 1 लाख लोग पीएससी दे रहे हैं, जानता था क्या मैं, ऑब्वियसली आई वॉज अनअवेयर। तो देन मैंने जो पीएससी का एग्जाम दिया वो किस कैटेगरी में आप लोग रख सकते हो, कॉम्पिटिशन, बिकॉज मैंने कोई वॉयलेंस नहीं किया, सेकेंडली आई वॉज नॉट पर्सनल विथ एनीबडी, भाई मुझे बनना है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप भी बनो ना, मेरे को क्या करना, और देखते हैं भाई कौन बनता है दोनों में, जो ज्यादा नंबर पाएगा बन जाएगा, सीधी बात है। तो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट पर्सनल विथ यू, तो फर्स्ट थिंग वॉज वॉयलेंस, है ना, स्पेलिंग फिर से वॉयलेंस, सेकेंड थिंग वॉज पर्सनल एंड अगेन, ये तीन चीजों के साथ ही आपकी डेफिनेशन और आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर कट समझ में आएगा। क्या है वो तीसरी चीज कौन बता सकते हैं, हालांकि इसके साथ भी कंप्लीट हो गया, दोनों में अंतर, डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया, वो तीसरा चीज क्या है बताओ, तो सोच सकते हैं क्या ऐसा है मैडम जो मैं कॉम्पिटिशन में पीएससी में किया हूं और हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं करता, क्या दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कि अगर मैंने उस तीसरे वाले स्टेशन पे गाड़ी नहीं रोकी तो हो सकता है मैं वापस कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच जाऊं, व्हाट कुड बी दैट थर्ड ट्रेन स्टॉपेज, कोई सोच सकता है, दो चीज तो बता दिया, वॉयलेंस कर दिया तो हो सकता है मैं इधर आ जाऊंगा, पर्सनल हुआ तो भी इधर आ सकता हूं, तीसरा चीज क्या हो सकता है, मतलब पता क्या करना है, ये पता चल रहा है क्या, कि सर दोनों में मेजर डिफरेंस दो बता दिया, एक मेजर डिफरेंस बता, अदरवाइज सेम है, अदरवाइज ये सेम हो जाते हैं, यस एब्सोल्युटली डैम सुपर जबरदस्त, इसको मैं अच्छे शब्द में बोलूं, सेम चीज को, आई विल बी अबाइडिंग बाय द रूल्स, मैं नियमों के तहत काम करूंगा, समझ में आ रहा है, पीएससी मैंने नियमों के तहत दिया, प्री दिया, मेंस दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो व्हेन मैं रूल्स के तहत काम करता हूं तो आई विल बी इन कॉम्पिटिशन जोन, और अगर मैं रूल्स के अगेंस्ट जाके रूल्स को वॉयलेट करके काम करता हूं तो किसमें आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट में। डू यू एग्री विद दिस, दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन, इनफैक्ट आपका डेफिनेशन कंप्लीट भी हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस वो आएंगे आपको, ठीक है। तो इसके साथ में कॉम्पिटिशन चालू किया था तो कंप्लीट कर देता हूँ, डेफिनेशन सॉरी कॉन्फ्लिक्ट चालू किया था ना, कॉन्फ्लिक्ट का आपको डेफिनेशन समझ में आया क्या, मैं कीवर्ड्स लिखूं फिर आप लोग डेफिनेशन खुद से बना सकते हो कीवर्ड देख के, ओनली यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, एप्पल के जैसे,
ये अल्टीमेटली क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। इट इज एन एफर्ट या स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग करना का वही मतलब है। क्यों करते हो बताओ, क्यों कर रहे हो आप स्ट्राइव, क्यों प्रयास कर रहे हो? क्या चाहिए? गोल। पर आपको ये बोलना पड़ेगा टू अचीव अ, सीमित है ना, असीमित होना तो लड़ाई किस बात की भाई? आप भी डीसी, मैं भी डीसी बनते तो लड़ाई ही खत्म हो जाती ना। पर ये डीसी को एक ही बनेगा, वी ऑल नो दैट। तो लिमिटेड रिसोर्सेस या सर्विसेस या पोस्ट या कोई सामान उसको प्राप्त करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब देन आप बोलोगे और क्या क्या चीजें आएंगी बताओ, उसकी डेफिनेशन अभी लिखवाया हूं, तीन पॉइंट क्या क्या। हाँ ठीक है, आप इसमें पर्सनल हो जाते हैं और वॉयलेंस और हाँ रूल्स को अगेंस्ट जाके, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे हिंदी में अगर मैं बताऊं, किसी सीमित रिसोर्स मतलब कि संसाधन, पद या सुविधा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत हिंसात्मक तथा नियमों के विरुद्ध की गई स्ट्राइविंग क्रिया या किया गया प्रयास क्या हो जाएगा? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आया? फिर से हिंदी में बोलूं, किसी लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब कि संसाधन, पद, सुविधा, सेवा को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत हिंसात्मक तथा नियमों के विरुद्ध जाते हुए किया गया प्रयास क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इज इट ओके? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं टू अचीव अ लिमिटेड रिसोर्सेस फैसिलिटी या क्या बोलेंगे और पोस्ट एटसेट्रा करने के लिए इन पर्सनल नेचर, इन वॉयलेंट मेथड या अगेंस्ट द रूल्स द वे वी आर स्ट्राइविंग। या आप, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट। ठीक है, मैं बहुत रैंडम बोल दिया। यू एग्री विद दैट? ये याद हो रहा है आप लोग को? ये ऐसे ही बच्चों आप लोग को ना, जब आप लोग पुराने पेपर्स को बनाते हैं जिसके लिए मैं आप लोग को फोर्स कर रहा हूँ, तो बच्चा ऐसे बार बार लिखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे हो ना, जैसे मैं अभी एकदम से नहीं बोल पाया इंग्लिश में, ये आप लोग बार बार लिख नहीं सकते एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिस करते समय। और अगर कितना भी लिख लो आप एग्जाम में डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो उसका तरीका ये होता है कि भैया आप अपने साथ क्या लेके चलो, ये डायग्राम कीवर्ड्स, और एग्जाम टाइम में आप कनेक्ट कर लेते हो सीधे सीधे, वो उतना उतनी एफिशिएंसी आ जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा पर्टिकुलर या यह वह होता है से ज्यादा बेटर है आप कीवर्ड्स को हमेशा याद करो। इसलिए मैं आप लोग को प्रयास भी करता हूँ, ये मेरे पढ़ने का तरीका ही रहा है मेरे, कि कीवर्ड्स को याद कर लो, बाकी डेफिनेशन बन जाता है। इसमें से एक आध शब्द भूल भी जाओगे चलेगा, डेफिनेशन तो हो ही जाएगी, बाद में कवर अप हो जाते हैं। इज द डेफिनेशन पार्ट क्लियर? कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल दोनों बोलते हैं। ओके, चलो, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर कैसा है या इसका फीचर्स बताओ। कॉन्फ्लिक्ट का नेचर या इसका फीचर्स क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट का? ये तीन तो अभी बता दिए आप, है ना, एक बार में पर्सनल, वॉलेंट एंड अगेंस्ट द रूल्स। और क्या है? बताओ, जो जो सहयोग में बोले थे ना सब आएगा क्या? यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल अप्रोच पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉम्पिटिशन हो, भाई हर समाज में होता है, हर देश में होता है, हर जगह में होता है, हर टाइम फ्रेम में, हिस्ट्री में भी होता ही है। हिस्ट्री में कितना नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, उसको पढ़ा ही होगा, आई होप अजात शत्रु, वही है ना जो अपने फादर को मारे थे, उनको उनका उनके बेटे ने मारा एटसेट्रा। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ही तो है वो? भाई राजा लिमिटेड सोर्स है, हर कोई राजा नहीं बनेगा, उसको राजा बनने के लिए पर्सनल हो जाना कि ये नहीं बनेगा, मेरा फादर नहीं बनना चाहिए राजा, ठीक है। फिर आप वॉयलेंट भी हो गए, एंड देन आपने रूल्स को फॉलो किया क्या? नहीं भाई, रूल कहाँ, क्या रूल है भाई? उनका रूल रहा होगा राजा बनाने का कि फादर के रिटायर होने के बाद या मरने के बाद बेटा राजा बनेगा, आपने रूल तोड़ दिया, फिर उसके लिए जो मर्डर कर दिया सो कर दिया, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट के कैटेगरी में। यू ऑल एग्री? मैंने प्रूफ भी कर दिया एग्जाम्पल के साथ, एक बस एग्जाम्पल में लिख मत देना ऐसा ना, अजात शत्रु ने जो फादर को मारा था वो कॉन्फ्लिक्ट, ये आपने लिख सकते हैं, ये समझाने का तरीका था। ओके, यूनिवर्सल इन नेचर है, एंड देन आप देखेंगे अगेन इट्स कॉन्शियस, जो आप मुझे सही भी किया था आपने, इसका कॉन्शियस प्रोसेस आप जान बूझ के करते हैं, समझ में आ रहा है, डेलिब्रेटली आप बिल्कुल इसको करते हैं। ओके, डेलिब्रेटली बिल्कुल करते हैं ये। पर्सनल बता दिया, इंटरमिटेंट बता दिया, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है ये, दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट वर्ड,
कि कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअसली होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस एक्चुअली क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन दो लगभग एक जैसी चीजें हैं, जो अगर समझ में आ रहा हो आप लोग को। कॉम्पिटिशन आप जिंदगी भर नहीं करते हो, कॉन्फ्लिक्ट आपका जिंदगी भर रहता ही रहता है, हमेशा आपके साथ चलते। जैसे आप देखो कॉम्पिटिशन आप एक लिमिट तक करते हो, पीएससी देने के बाद एक्चुअली देयर इज नो सच कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग, राइट? यू आर, आप पीएससी दे दिए, कॉम्पिटिशन हो गया कंप्लीट, बट कॉन्फ्लिक्ट आपका लाइफ टाइम चलता ही रहता है। किसी ना किसी चीज के लिए रिसोर्सेस प्राप्त करने के लिए आप वॉयलेंट हो ही जाते हो या पर्सनल हो ही जाते हो, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है इंटरमिटेंट, और हिंदी मीडियम में क्या लिखा है बताइए, उसी चीज को मैंने, संघर्ष लास्ट में, ठीक है? कि ये ये मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ, एक सेकंड, इसको ये मुझे कंफ्यूजन होता है, जैसे एक सेकंड ना, अनिरंतर है कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी ये थोड़ा मेरा उल्टा हो गया, यस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली मुझे खुद कंफ्यूजन था अपने टाइम पे होता था, इसको मैं लास्ट में एक बार और देख के ही बताऊंगा, ठीक है? जिस पॉइंट को जस्ट होल्ड रखो, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी गलती है, इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? अदरवाइज इसके अलावा संघर्ष के और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है? इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ एज सच नहीं होता है, ठीक है? व्यक्तिगत सॉरी कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, सॉरी इसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है, समझ में आ रहा है? जब आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं तो आपका पर्सनल मोटिव ज्यादा हावी होता है, वी ऑल समझ पा रहे ना, ये बहुत क्लियर बात है। कोऑर्डिनेशन में अलग बात है, कॉम्पिटिशन में आपका पर्सनल स्वार्थ मेन चीज नहीं होता, पर इसमें आपका बहुत मेजर चीज क्या है, पर्सनल स्वार्थ का पूरा होना, और आप सेल्फिश हो जाते हो, तभी तो ये सोचते हो ना कि मैं अपने फादर को ही मार के राजा बनूंगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? ये आपका पर्सनल सेल्फिशनेस इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है? उसके बाद देखिए इसमें कोई एथिक्स नहीं होता, समझ में आ रहा है? इसमें कोई व्हाट इज एथिक्स जी, नैतिकता, we all are driven by some values, right? ठीक है, कम ज्यादा अच्छा बुरा, but we all do have some values, कि नहीं यार ये, जैसे कुछ लोग की वैल्यूज होती है कि रात चलते को गरीब दिख गया तो पैसा भीख मांग रहा है दे ही दो, वी आर नॉट जजिंग एनीबडी, वी आर जस्ट सेइंग कि सम वैल्यूज आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग का ऐसा रहता है कि मैं मतलब लालची तो हूं पर बोलूंगा नहीं, बस अपने मुंह से खुद से दे दे तो मैं ले लूंगा, पर ये भी वैल्यू है, उसका वैल्यू ठीक है, अपने क्या करना होता होगा। एक अच्छा क्वेश्चन लेकिन मैं आप लोग से पूछूंगा कि एथिक्स का एक और शब्द क्या होता है, नहीं इंग्लिश में एथिक्स और एच से होता है, राइट? एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, डेली बहुत थका होना तो मेरा वर्डोलॉजी काम नहीं कर रहा है। एथिक्स एंड बताओ ना जी, एक और क्या होता है, एथिक्स एक और वैल्यू, सेम वैल्यू वर्ड है बिल्कुल, एथिकली या फिर मोरल, यस ये वर्ड आप लोगों ने सुना है क्या, मोरल और एथिक्स सुना है, मोरालिटी एथिकली, हिंदी में अगेन बच्चा वही लिंग जैसा सेम है, हिंदी में दोनों को ही मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में दो अलग अलग वैल्यू शब्द हैं, मोरल और एथिक्स, इसका अंतर बता सकता है कोई? ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज बीइंग मोरल, व्हाट इज बीइंग एथिक्स, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग हैं, अलग है तो क्या डिफरेंस है, सुने हो कभी? हिंदी वालों को टेंशन इसमें नहीं होता, हिंदी में दोनों को ही मूल्य बोल दिया जाता है, नैतिकता बोल दिया, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, दे आर बोथ यूनिक इन द सेंस वाइज, अपना मतलब अर्थ वाइज दोनों बिल्कुल यूनिक शब्द हैं, अलग अलग अर्थ हैं। व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरल, इंटरव्यू में कभी कभी ऐसा पूछते हैं, आप लोग जब तक पहुंचेंगे तब तक वैसे ही पता चल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं, बीइंग मोरल बताओगे कोई? थोड़ा बहुत प्रयास किए थे पर आप नहीं बता पाए, ठीक है? अभी मैं एग्जैक्ट बताता हूं, मॉरल मतलब कि आपका जो पर्सनल अनप्रोफेशनल चेहरा, जैसे कि मेरा एक अनप्रोफेशनल चेहरा क्या है, मैं सुबह घर में कितने बजे उठता हूं, मैं अपने घर वालों से कैसे बात करता हूं, घर में मैं क्या, समझ रहे हो क्या, अपने आसपास के दोस्त ऑफिस के अलावा क्या दोस्तों से कैसा बिहेव करता हूं, वो मेरा मॉरल उसमें आ जाएगा, ठीक है? एथिक्स मतलब कि जो मैं ऑफिस में करता हूं, जैसे कि मान लो आप लोगों ने कभी मुझे मीटिंग में बुलाया, ठीक है, या किसी हम लोग को बोला है कि चलो रेस्टोरेंट में मिलते हैं सर शाम को 6 बजे,
मैं 6 बजे बोल के कितने बजे आ रहा हूँ, 8 बजे, लेकिन अगले ही दिन हो सकता है हम दोनों ऑफिस के भी, आप सीनियर हो या क्लासमेट, ऑफिस के ऑफिस मेट हो और आपने कोई ऑफिशियल मीटिंग रखी शाम को 6 बजे मान लो, और उसमें मैं एकदम सही टाइम पे आया, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मॉरली तो आप ठीक नहीं हो लेकिन एथिकली आप ठीक हो। एथिकल मतलब आपका प्रोफेशनल चेहरा। जैसे कि मान, ऐसा मानो कि मान लो कोई ऑफिसर है, कोई सरकारी बाबू है, ऑफिसर है, घर में बड़ा पैसे का वाइज ईमानदार है ना, 1 रुपया किसी दोस्त का लेता नहीं, 1 रुपया किसी दोस्त को देता नहीं, नहीं देता है, देता है, लेता नहीं मतलब लालच नहीं करता पैसे का। और वही आदमी जब ऑफिस में बैठता है तो बाप बाप ने क्या बोलता है, दीपावली आ गया थोड़ा फटाका वटाका मिल जाता तो, है ना, पानी पी रहा है 5 मग्गा पानी मेरे को ही पिला दे, समझ में आ रहा है, 5 फटाका मैं भी फोड़ना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो जब वो ऑफिस में रहता है तो बाप बाप से क्या मांग रहे हैं, फटाका पानी रिश्वत मिठाई डब्बा काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो कि वो मॉरली तो अच्छा है पर एथिकली गलत। आपका जो पर्सनल चेहरा है अनप्रोफेशनल या आपके ऑफिस के अलावा मॉरल कहलाता है, और आपका जो ऑफिस में चेहरा होता है वो क्या कहलाता है, एथिक्स में आता है, ठीक है। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, इसमें मैं बता दिया। अदरवाइज मतलब एनीवे एथिक्स क्या हो गया, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट में एथिक्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट में एथिक्स होगा नहीं, आप एथिकली गलत हो तभी तो आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, कॉम्पिटिशन सॉरी वो सब कर रहे हो, वॉयलेंस होगा। अब इसमें मैं तो थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको मैं बता देता हूं आपको कि यस, मैं इसको लिखा सही हूं, यही आपको रटना है। संघर्ष जो होता है वो इंटरमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट मतलब कि उसमें बीच बीच में ब्रेक लगता है, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, एंड देन जो आपका कॉम्पिटिशन है वो निरंतर चलते रहता है। तो इसको मैंने मुझे एक्चुअली मैं इसको एग्री नहीं कर पाया था अपने टाइम पे, ठीक है, लेकिन फिर मुझे भी एक्चुअली कंफ्यूजन अभी भी देखो है। आई जस्ट रिपीट, मैं आप लोगों को क्लियर कट अगले पेज में डिफरेंस में लिखा दूंगा इसको कि दिस इज इंटरमिटेंट इन नेचर। इंटरमिटेंट मतलब कि हिंदी में बोलते हैं सविराम, मतलब कि रुक रुक कर चलता रहता है। वेयर एज आपका जो आपका प्रतियोगिता है वो जिंदगी भर बिना रुके निरंतर चलते रहता है। अब इसको मैंने ऐसा रटा था अपने टाइम पे कि आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा होता भी है कि वैसे आपके घर वाले बोलते रहेंगे बस बेटा 5वीं अच्छे से रिजल्ट लिया फिर सब अच्छा है, 8वीं बस पढ़ ले बेटा फिर आगे आराम ही आराम है, 10वीं बेटा बोर्ड एग्जाम बहुत पूछते हैं रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लिया फिर तो आराम ही आराम है, फिर 12th में भी ऐसे ही बोलते हैं, 12th के बाद तो बेटा कॉलेज में मजा ही करना है अच्छे से पढ़ ले आराम ही आराम, देन 12th के बाद भी पता पीटी एंड देन इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि बस इंजीनियरिंग अच्छे से कर लो, बस पहला साल अच्छे से कर लो 3 साल तो आराम है, फिर इंजीनियरिंग भी अच्छे से करवाते हैं, फिर आखिरी में बोलते हैं नौकरी तो लगने सही बेटा गेट बस, जैसे मैं गेट किया था तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई MBA गेट अच्छे से दे दे उसके बाद तो आराम ही आराम है, एंड देन गेट के बाद भी पता है आप गेट करने के बाद देखो वापस आया मैं, गेट किया मैंने MTech करने के बाद फिर मैं PSC की तैयारी किया, क्या बोलेंगे PSC बस कर ले बेटा फिर तो जिंदगी भर आराम, एंड PSC करने के बाद देख ही रहे हो हालत, सुबह भी आप लोग का चेहरा देख के उठ और रात को भी आप लोग का चेहरा देख के सोना पड़ता है, मतलब एक तो बात कह रहा हूँ अन्यथा मत लेना आप लोग या आप लोग की है ना, जस्ट आई वॉज जस्ट किडिंग। तो बेसिकली मैं आप लोग को रटाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि मैं खुद इसको एकदम से एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रटाने का प्रयास कर रहा था, कॉम्पिटिशन आपकी लाइफ में हमेशा चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रुक रुक कर होता है, ठीक है, ये आप इसको मैंने ऐसे ही रटा था, कॉम्पिटिशन लाइफ टाइम ऐसे चलता है कि आप लोग एक्चुअली मैं हुआ भी था हम सबके साथ होता है, 5वीं बस पढ़ ले फिर 8वीं बस पढ़ ले लेकिन पता चलता है साला किसी की कोई वैल्यू नहीं, कोई आपको पूछता है बच्चा आपका 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कितना परसेंट है, आज तक किसी ने पूछा एक्चुअली, मैं जैसे IIT में भी गया ना या प्लेसमेंट में भी बैठा कोई नहीं पूछता, प्लेसमेंट वगैरह में भी जैसे प्लेसमेंट में बैठे थे ना जैसे TVS आई थी, टाटा मोटर्स में मेरा हो गया था ऑलमोस्ट, मैं इंटरव्यू में गया था, टाटा मोटर्स जो आती है ना टाटा की कार वगैरह जो, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था अपने कॉलेज से, देन वहां भी कभी ये थोड़ी पूछते हैं कि वो सब छोड़ो यार तुम्हारा 12th में कितना परसेंट था, 60 के ऊपर हो तो ठीक है तो निकल लो, ऐसा कहीं नहीं होता, नोबडी केयर्स आपका 12th में कितना परसेंटेज है, ऑफिस में भी आओगे नोबडी केयर आपने कहां से इंजीनियरिंग किया, हाँ अच्छे कॉलेज से किए रहो या कोई भी डिग्री आप 25 की हो तो लोग जानते हैं, अदरवाइज नोबडी केयर्स, आप काम अच्छा करे तो ठीक है वरना चलते बनो आप, दैट्स ऑल। तो आप इसको ऐसे ही रटेंगे, कॉम्पिटिशन इज एवर
एवर प्रेजेंट या कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरमिटेंट, रुक रुक कर होता है। मैं इसको आगे और अटवाऊंगा क्योंकि मैं खुद में खुद कंफ्यूज होता हूँ। ये क्लियर हुआ नेचर इसका, ठीक है। एंड देन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था मैडम अपना, वो 20 PSC में आया था ना, देख के बताइए आप। 20 PSC में कुछ क्वेश्चन आया था ना संघर्ष का क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट का। एक तो संघर्ष का डेफिनेशन आया था वो मैं बता दिया, ये मुझे याद आ रहा है। और क्या आया था उसमें, उसमें आई थिंक कॉपरेशन का डिटेल्स आया था ना, मैं वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का और कोई क्वेश्चन आया था क्या, बस ये पूछा था बेसिकली। मैं खुद भी देख लेता हूँ। यस, कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंस आया है, देखो 21 PSC में देख लिया आपने, बहुत अच्छा, इतना काफी है। कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंस कौन बताएगा बताओ। ये बच्चों आप खुद से सोच के देखो, आप खुद से बिल्कुल, आप इसको करते हो मुझे पता है, कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग को जलन होती है, हम लोग पर्सनल होते हैं कई बार, साला इसका बस मत हो, इसको बस मत मिले साला करके, मैं और ये साला इसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए साला रास्ते में करके, वी ऑल हैव दैट फीलिंग। उसका क्या इंपॉर्टेंस है बताओ, क्या महत्व है उसका सोसाइटी में, देश दैट एनीवेयर, पर्सनल लेवल पे क्या महत्व है। यस आप अल्टीमेटली समटाइम आपके तरीके गलत हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी तो रिच होती है, इस साला इसको तो हराना है करके, समझ में आ रहा है। तो विद दैट मोटिव मेरा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आया होगा, या मैं थोड़ा सा पर्सनैलिटी मेरी ग्रो की होगी, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका स्किल इसमें ग्रो करता है। और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यस बिल्कुल, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर भाई भाई अपने को मिलने मिले, उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, अपन भारी खुश होते हैं कि चल साला इसका होना, गिर गया अच्छा हुआ साला करके, भाई पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। वही तो पढ़ रहे हैं संघर्ष का ये महत्व, राइट, पर्सनल आप बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन। हाँ बताइए, सॉरी, हाँ ये इसी में आ गया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इसी में, भाई मेरे में जो कोई कमी है तो उसका मैं सुधारने पर लगूं, कि साला कुछ नहीं तो इसको तो हराना है, इसके लिए भाई मैं अपना क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आप देखो मेरे अंदर कितना जील आ जाता है, कितना कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है, कितना मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ, हम तो कई बार स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट, इसको हराने के लिए कुछ भी कर दूंगा टाइप से, है ना। तो आप ज्यादा स्ट्रांग होते हो, ज्यादा मैच्योर हो जाते हो, ये पर्सनल लेवल पे भी आपको दिखता है। सोसाइटी में क्या होता है ये और भी मैं बताऊंगा, देख के बता दूंगा। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, नेगेटिव इंपॉर्टेंस मुझे भी पता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी डाउन ही होगी, बट फिर भी हर बुराई में कुछ अच्छाई हो सकती है। कोरोना को चाहे हम लाख बुरा बोलें, अगर आज भी ये कोरोना का ऐसे आता है तो मेरे पास तो आप सब, हम सब के पास बहुत सारे पॉइंट्स है ये बोलने के लिए, नहीं सर कोरोना अच्छा था फिर। तो कॉन्फ्लिक्ट का क्या पॉजिटिव इंपॉर्टेंस बताओ, नहीं आप संघर्ष की डेफिनेशन अच्छे से समझा नहीं पाया कि मैं आपको, संघर्ष ये होता है कि किसी को हराने के लिए आप डेस्परेटली एफर्ट लगा के उसको अगेंस्ट द रूल जाके हटाते हैं, तो इसमें रीति रिवाज का मैं नहीं समझता। हाँ, सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्फ्लिक्ट का, ये तो आप जस्ट उल्टा ही बोल दिए, मतलब यही तो आपको बोलना था कि आता है, कैसे आता है मैं बताऊं आपको। इस ये लोग कोई रीजन रिलीजियन के हैं और ये कोई R2 दूसरे रिलीजियन के हैं, हो सकता है इनके बीच लड़ाई झगड़ा हो, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का समझे ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक दूसरे से पर्सनल होके अगेंस्ट रूल जाके वायलेंस करना, बिल्कुल। तो जब ये लोग इनसे लड़ना चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये लोग आपस में एक हो जाएं, हो सकता है, राइट। और वैसा इनके साथ भी होगा कि ये लोग आपस में एक हो जाएं कि चल साला, मतलब क्या चोर चोर मौतेरे भाई काइंड ऑफ, भाई तेरे को भी उससे लड़ाई है, मेरे को लड़ाई, चला मिल बांट के मारपीट के आते हैं, भाई मूवीज में नहीं दिखाते कई बार गुंडागर्दी गैंग बना के जाते हैं मारने के, तो आपस में कितनी एकता होती है उनके आपस में गुंडों में, साला मेरे भाई कैसे मारा रे करके धड़ दे दिए बत्ती सामने वाली पार्टी को, इजंट इट, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं भैया। आप कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए आप कम से कम इन लोग के आपस में तो वो दैट एकता इज स्थापित, राइट, दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथन्ड, फाइन, ये इसका पॉजिटिव है। कई बार इसमें ये फायदा है कॉन्फ्लिक्ट का अच्छा इंपॉर्टेंस कि आपका कंफ्यूजन या आपस में जो लड़ाई झगड़ा वो क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन कई बार क्लियर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा के बीच कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाता है, किस बात पे लड़ रहे थे एक्सेट्रा, लड़ाई करते करते आपको कई बार समझ में आ जाता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाता है, फाइन।
और क्या हो सकता है, ये अगेन अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, अवेयरनेस। अब अगर ये लोग R1 R2 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो एक चीज तो ये है कि इनके आपस में वी फीलिंग बढ़ सकती है, आपस में भले आपस में लड़ाई कर रहे हैं R2 से। सेकेंड थिंग इज दे विल बी अवेयर ऑफ R2 एज वेल, मतलब कि वो आपस में अपने ग्रुप के लिए अवेयर होंगे कि नहीं बताओ। ऐसे मान लो इसमें से किसी पर्सन ने इसके से किसी पर्सन से जाकर लड़ाई की, या कुछ इसके घर में घुस के मान लो कुछ खेत वेत में आग लगा दिया मान लो, तो ये अवेयर होगा ना कि साला मेरे R1 मेरे रिलीजन में आके आदमी ऐसा कर रहा है, मेरे आदमी से ऐसा किया, एंड दैट यू विल बी अवेयर ऑफ ईच अदर राइट। आप एक दूसरे के लिए जागरूक रहोगे कि वो हमको हार्म मत कर सके, दैट इज द पॉजिटिव इसका जो इफेक्ट है। आप इसको बोलोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारा हम सबको पता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका बताओ, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? या अगेंस्ट द रूल्स, ये एथिक्स को डाउन करता है। इसका तो ये बहुत इजी है बताना, बहुत इजी है ठीक है। एथिक्स को डाउन करता है, डिस्ट्रक्शन लाता है कि नहीं बताओ, डिस्ट्रक्शन लाता है, ये सोसाइटी को डिवाइड करता है, सोसाइटी को डाउन करता है, उसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है ना। R1 भी लड़ रहा है, R2 भी लड़ रहा है, पता चला R1 R2 दोनों लड़ लड़ के खत्म हो गए, R3 ऊपर आ गया, हो सकता है पूरी सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। और क्या इसका नेगेटिव है बताइए, और जैसे मैंने क्या लिखा है, हाँ प्रॉपर्टी लॉस। जैसे मान लो मुझे आपसे प्रश्न है, मैं जाके आप मतलब मैं नहीं कोई और किसी और के घर में आग लगा के आ गया, घर जलकर राख हो गया, प्रॉपर्टी लॉस, रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट, आप मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेस का। भाई आपको चाकू क्यों दिया गया था सेब काटने के लिए, और आप चाकू से क्या काट रहे हो समझ ही रहे हो ठीक है ना। तो भाई चाकू का मिसयूज हुआ ना, आप रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, रिसोर्सेस का मिसयूज कर रहे हो ओके। यहां भी लिख सकते हो कि इनके बीच आपस में तो प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, पर ओवरऑल सोसाइटी में क्या बढ़ रहा है बताओ, लड़ाई झगड़ा। ओवरऑल अगर आप ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू से, तो आपको दिख रहा है कि कुल मिला के मेरी सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर R1 वर्सेस R2 हो रहा है तो। ये नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट का समझ में आया, नेगेटिव लिखना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग का नेचर ही होता है किसी की बुराई अच्छे से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव थोड़ा सा खोजना पड़ता है ठीक है। पॉजिटिव मैंने 3-4 बता दिए। ये क्वेश्चन देखो आपके 21 PSC का क्वेश्चन मैंने बता दिया राइट, संघर्ष का महत्व, 22 में नहीं आया है बोर्ड है ना। क्यों जी इधर मैडम, तो आप ही बोले देख के बताई हूं नहीं है, अगर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, तो कोऑपरेशन और कंपटीशन अभी जो पढ़े हैं उसमें से थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फीचर्स को सीधे सीधे कंपेयर कर दो, हमको कॉपरेशन का फीचर्स पता है, कंपटीशन का फीचर्स पता है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, कॉपरेशन में लिमिटेड रिसोर्सेस वाली मुद्दा ही नहीं होता मैडम, मैं इसको बताऊंगा ठीक है। आपने हाईलाइट किया बहुत अच्छी बात है ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंस, फीचर्स सब बता दिया मैंने ठीक है। अब कंपटीशन पढ़ें, कॉन्फ्लिक्ट में कुछ डाउट है आप लोग को? मैंने कॉन्फ्लिक्ट में डेफिनेशन बता दिया, फीचर्स बता दिया, एंड देन और क्या बता दिया मैंने, उसका इंपॉर्टेंस या उसी का इफेक्ट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ठीक है। एक चीज बच्चों आप लोग याद रखेंगे, जब भी यहाँ से आप लोग PSC देते हैं, ये मैं खुद बहुत बाद में सीखा, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपसे जैसे कि मुझे बताओ आलोचना का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एग्जामिन, क्रिटिकल कमेंट करना क्या होता है, व्हाट इज आलोचना करना, क्रिटिकल कमेंट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि सर मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्रिटिकली बताओ क्रिटिकली, तो आप मुझे क्या क्या मुद्दों पे बात करोगे। अगर मैं बार बार बोलता हूँ ना ये पता करो कि पता क्या करना है, किस हेडिंग्स में आप मुझसे बात करोगे। अब आप बोलिए भाई क्या बोल रहे थे, हाँ गलत है, हाँ चलो आगे बताओ, हाँ गलत, और बताओ गलत, यस
ये सुना आप लोगों ने, ये चीज सुना आप लोगों ने, क्या बोला? अगर आपसे पूछा जाए कि किसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, जैसे मैं खाली मैं कैसा पढ़ाता हूँ क्रिटिकली बताऊं, तो बार बार आप लोग पता नहीं क्यों मेरी बुराई करने पे लगे हुए, वो ज्यादा सही बोल रहे कि आप मेरे पॉजिटिव्स को बताओगे, फिर नेगेटिव्स को बताओगे और आखिरी में कंक्लूड कर दोगे जज अपना कमेंट कर दो, आप बोल दोगे भले ही सर में लाख अच्छाइयां हूं पर कुछ कुछ बुराइयां भी है ना, ऐसा कुछ आप कंक्लूड कर दो, उल्टा ही बोल, भले ही सर में लाख बुराइयां हैं पर कुछ कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स ठीक भी पढ़ा दिए, तो कंक्लूड कर दिया आपने, तो यू नीड टू कंक्लूड। तो आलोचना करने का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एंड कंक्लूजन, जो आपने बोला ठीक है। वैसे ही कई बार बच्चों ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि संघर्ष के प्रभाव बताइए, समझ में आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट बताइए या कोऑर्डिनेशन के इफेक्ट बताइए, तो या कोरोना का इफेक्ट बताइए। चलिए बताइए मैडम, यहां मैं डमी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोरोना का इफेक्ट बताओ, क्या इफेक्ट है कोरोना का, क्या झेला हमने हा? और बताते जाओ चार पांच पॉइंट, पॉपुलेशन ये तो अच्छा वैसे बढ़ा है पॉपुलेशन, वी नीड टू बी स्पेसिफिक ऑन दैट एंड वी ऑल नो द रीजंस बिहाइंड दैट, क्लास को मेंटेन डेकोरम बनाने के लिए मैं उस पर कमेंट नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, तो बढ़ गया तो आप ऐसे भी गलत और वैसे भी गलत, ठीक है आगे बताओ, आगे बताओ, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ये ना एक हल्का सा बोलती हैं ताकि मैं अच्छा डिस्टर्ब हूं ना, कि नहीं बोलती आगे, अब नहीं बोलूंगी सर करके, नहीं वो मैं इनसे ही बोलूंगी, क्या बोले आप, शिक्षा में गिरावट आ गई, और बताओ लास्ट एक ऑप्शन और दे रहा हूं, क्वेश्चन है कोरोना का प्रभाव बताइए, लास्ट ऑप्शन बताओ और क्या, सॉरी मेरा एक्चुअली मुझे लगता है कान थोड़े खराब होने लग रहा है, सही में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सच में लग रहा है, हाँ ओके ऑफिस नहीं जाना है, मुझे कुछ क्लियर कट मतलब जो मैं बोल सकूं कि अच्छा है, जैसे मेरे ख्याल से शिक्षा में गिरावट हुई तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, हाँ ऐसा कुछ क्लियर बताओ, ये मैं थोड़ा अच्छा बुरा मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमी है, कुछ और नया बोलता हूँ एक आध पॉइंट और, क्या नेचर पर्यावरण, तो अगर आप लोगों ने बच्चे नोटिस किया, अगर मैं आप लोग को ये शायद हिंट नहीं करता जाए, वो क्लियरली नहीं बोलते ना, तो आप लोग से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आ भी सकते हैं कोरोना का इफेक्ट बताइए, तो लाइन से आप गिनाते जाते हैं शिक्षा में गिरावट होगी, पॉपुलेशन सॉरी, ये लॉस हो गया, वो प्रॉब्लम होगा, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चों किसी ने भी आपसे या मुझसे ये नहीं बोला था कि नेगेटिव प्रभाव बताओ, आप पॉजिटिव प्रभाव भी लिख सकते थे, इसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है, पहली बात तो एग्जाम टाइम में आप पांच पॉइंट्स के बाद आपको छठवां पॉइंट मिलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मान लो आप गियर वाली गाड़ी में और आप सिर्फ फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चला रहे हो, आप फर्स्ट गियर में कितना भी एक्सीलेटर दो कितनी स्पीड जाएगी आपकी, 20, 30, 40, इसमें भी मतलब लड़ी लो मेरे से आप, नहीं मेरी गाड़ी 20 तक जाती है बस, ठीक है, और आप मुझे बताओ अगर आपको सेकंड गियर लगाने का मौका तो आपकी गाड़ी कितनी जाएगी, 40, थर्ड गियर में कितनी जाएगी, और अगर मैं बोलूं फर्स्ट गियर में चलाओ मैक्सिमम कितना जाओगे, 20-30, तो बच्चों एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, आप गियर लगाना भूल जाते हो, क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताता है कि प्रभाव का मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, हम लोग अक्सर सोच लेते हैं प्रभाव मतलब नेगेटिव नेगेटिव और निकल भी जाता है, कोरोना का पॉजिटिव मेरे ऐसे में आया था, मैंने अच्छा खासा लिखा भी है, कोरोना का बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है पर्यावरण जो आपने कहा, कोरोना की बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि भारत का जो कल्चर है उसको पूरी दुनिया ने पहचाना, पूरी दुनिया ने योग को पहचाना और हमारा योग आज वापस स्टैब्लिश हुआ, हमारा ही योग था बच्चों, इसलिए मैं फॉरेन कल्चर से ना कई बार बहुत आपको वो वाला लेक्चर दिया था क्या, वो चश्मे वाला ब्लैक चश्मा वाला, क्योंकि हम लोग को ना बॉलीवुड मूवीज से लेकर हर जगह नीचा गिराया जाता है, हिस्ट्री में भी हमको क्या बोला जाता है पता है, वो सिंधु सभ्यता वो हमारी ही पैदाइश, वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि सिंधु सभ्यता हमारे भारत की सभ्यता है, नहीं मानते पता है आपको, आप लोग के हिस्ट्री का टॉपिक है देखना, आप लोग पढ़ोगे, अगर आपको कोई आप लोग को कोई अगर भावना आपके लिए नहीं बोल रहा मतलब तो फीलिंग्स के साथ आपको कोई पढ़ाया ना तो आपको ये चीज बताएगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं लिखते हैं रख के भूल जाते हैं पता है, कभी भी सोच लो आपको हिस्ट्री में ना ये आपसे नहीं मनवाते हिस्टोरियंस लोग, इंडियंस हिस्टोरियंस के अलावा, कि जो सिंधु सभ्यता है आपकी पहली सभ्यता, सोचो कितना प्राउड होता होगा, हम दुनिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन भारत का, ये लोग कभी नहीं मानते कि आपके यहाँ घोड़ा था करके, घोड़ा भी हम ही लाए बोलते थे, अभी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं,
सुरपोतड़ा में और बहुत जगह घोड़े के नहीं मानते, बोलते नहीं है घोड़ा आपका। 1857 में आपका कौन सा आंदोलन हुआ था बताओ? हाँ 1857 में कौन सा आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, क्या हुआ था, वॉर हुआ था क्या? सैनिक विद्रोह। कितना प्राउडली बोल रहे हैं सैनिक विद्रोह, इनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि जैसे ही इन्होंने सैनिक विद्रोह बोला हमारे स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को इन्होंने गाली दे दी, पता है उसको? ये आपको पता है कौन सिखाता है? ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस है ना वो बोलते हैं, वो स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन 1857 वो तो सैनिक विद्रोह था, कुछ सैनिक लोग जाके लड़ाई झगड़ा करके आ गए थे वही था, लेकिन हमको पता है बच्चों क्या था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, एंड वी प्राउडली से दैट। तो आप लोग को हमेशा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आप लोग को ये दिखाया जाएगा कि तुम इंडियंस कुछ नहीं, हिस्ट्री हो, बॉलीवुड मूवीज हो, एवरीवेयर यू बी। तो ये इनफैक्ट बच्चा एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या 1857 का क्रांति एक सैनिक आंदोलन था? तो साफ मना कर देना, बोले नहीं बिल्कुल नहीं था, समझे? वो सैनिक विद्रोह से चालू तो हुआ था कि चार सैनिकों ने लड़ाई कर दिया, लेकिन खत्म कहां जाके हुआ था? जब पूरा आपका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भारत को हिला दिया था। झांसी बाई कहां की थी आपकी? मेरठ झांसी तरफ की, पूरा मतलब पूरा भारत हिल गया था, मजदूर आंदोलन से, मजदूर से लेकर हर कोई कूद गया था उस लड़ाई में। तो बताइए जब पूरा भारत उसमें कूद गया है तो जनाब आपने सैनिक विद्रोह क्यों बोला? बिकॉज आपको ऐसा बता दिया जाता है, कोई आपको फील नहीं कराता सब्जेक्ट को। आई ऑलवेज बिलीव कि सब्जेक्ट को फील करके पढ़ाइए, रटना तो है ही एट लास्ट, ठीक है? तो मैं इसमें जा रहा था कि आपको कोई प्रभाव बोले तो यू नीड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखना है। इसके आपका एक गियर एग्जाम में बढ़ जाता है और आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाते हैं। इसमें आपने सपोज 5 पॉइंट लिखा तो 5 पॉइंट और मिल जाते हैं, 10 पॉइंट हो जाते हैं, वरना 5 के बाद आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है। लिटरली एग्जाम में ऐसा होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। इसी को मेरे बोलने का एक और तरीका है कि हमेशा आप ये पता कीजिए कि पता क्या करना है, इससे आपके गियर्स बढ़ जाते हैं। एक मुद्दे पे आप अगर खत्म हो गया पेट्रोल, दूसरा गियर लगाओ और उसके 2 पॉइंट्स लिख दो, फिर तीसरा गियर लगाओ 2 पॉइंट्स और, आपके आंसर एग्जाम में आप लिखते जाओगे, आपके हाथ भी रुकते हैं कभी। फाइन, तो ये वाला पॉइंट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट का आपने कुछ बताया मैडम, क्वेश्चन 22 पीएससी में क्या आया बताया, और यही बस यही है ना डिफरेंस आया, चलो ठीक है वो बताऊंगा मैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन, हिंदी में बोलते हैं प्रतियोगिता, ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? प्रतियोगिता में बताने की जरूरत है क्या होता है, व्हाट इज प्रतियोगिता बताइए? परफेक्ट, कीवर्ड्स बताइए, कीवर्ड्स। लिटरली मैं इतना दूर खड़ा था, है ना? बताओ। यस वेरी गुड, लिमिटेड रिसोर्सेस सर्विसेस, वो एग्जाम में लिख लूंगा मैं, लिमिटेड मेरे लिए काफी है। और बताओ, ठीक है? दो से अधिक लोगों के बीच होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी खुद से तो कंपटीशन करेगा सर, एक डीसी की एक ही पोस्ट आई थी, मैं अकेला ही अप्लाई किया, तो ये तो बोलोगे नहीं हम, कंपटीशन विल ऑलवेज बी। हाँ ठीक है, हाँ बताओ कीवर्ड्स। ये आप पर्सनल नहीं होते, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड क्या है? नॉन वायलेंस, आप हिंसा नहीं करते, स्पेलिंग मैं फिर कंफ्यूज हो गया, देख लूंगा। तीसरा कीवर्ड, आप रूल्स के साथ काम करते हैं, और आपने जो स्ट्राइविंग किया, जो प्रयास किया, वो क्या हो गया? कंपटीशन। किसी लिमिटेड रिसोर्सेज सर्विसेज पोस्ट एक्सेट्रा को प्राप्त करने के लिए बिना पर्सनल हुए, बिना हिंसा किए और नियमों के तहत किया गया प्रयास क्या है? ये आपको थोड़ा बहुत याद हुआ, प्लीज। अब चूंकि आप मतलब कॉन्फ्लिक्ट लिख रहे हैं ना, तो इसको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत है। आप सहयोग कंपटीशन लिख रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ आप थोड़ा सा लिख देंगे कि निस्वार्थ भावना के या निर्व्यक्तिक अव्यक्तिक इम्पर्सनल होके किया जाता है, एक आध शब्द लिख दोगे तो भी परिभाषा, पूरा भी लिख दोगे तो भी परिभाषा अच्छी ही मानी जाएगी। परिभाषा क्लियर हुई? बताओ कॉम्पिटिशन के क्या फीचर्स है बताइए। यस, एक तो आपको जो मैं कंफ्यूज हो रहा था आपने उसका आपदा में अवसर खोज लिया कि आपने याद ही कर लिया उसे, ठीक है? ये एवर गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको मैंने ऐसे ही रटा था कि 5वीं के बाद 8वीं बोलते हैं, और ऐसा होता है बच्चों, पेरेंट्स ऐसे ही बेवकूफ बनाते चलते हैं हम लोग को, है ना? वो कभी नहीं बोलते कि जिंदगी में बेटा तेरे को यही बोलेंगे, हमारे घर में तो आज भी कुछ ना कुछ बोलकर डांट ही देते हैं ऐसा बोल के कि अब देखो ये करना है ना, अब देखो ये करना है, अब जमीन जायदाद बनाने के लिए बोलते हैं मेरे घर में, ठीक है? ठीक है, वो पर्सनल मुद्दा कभी और बताऊंगा आप लोग, दिल का दर्द अपने, ठीक है?
दिस थिंग कंटिन्यूअस. देन कॉम्पिटिशन का और क्या फीचर है बताइए? यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल है. टाइम वाइज दुनिया के हर कालखंड में यूनिवर्स कॉम्पिटिशन तो रहा ही होगा, और हर रीजन में, हर प्लेस में, हर देश में, हर समाज में, हर सोसाइटी में ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ऑब्वियसली होगा. बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग. और बताओ कॉम्पिटिशन के फीचर. डेलिब्रेट बोल सकते हो ये डेलिब्रेट? हाँ डेलिब्रेट बहुत मेरा डाउट है, क्योंकि डेलिब्रेट नहीं होता ये. इन अ सेंस से ये आप अचेतन रूप से भी कॉम्पिटिशन करते ही रहते हो. आई एम नॉट श्योर विद दिस वर्ड, एक बार मैं देख लूंगा आपने बोला है तो. और बताओ. सॉरी हाँ, अरे अच्छा पॉइंट बोले. हम पहली बॉल पे मेरे को लगा कि ये हिट विकेट हो रहे हैं कभी, तो बहुत सही बोले. अगर कंपटीशन आएगा तो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आते रहेंगे, सोसाइटी ग्रो करते रहेगी, सोसाइटी डेवलप होते रहेगी, ठीक है, और अधिकार सबको मिलना चालू रहेगा. ठीक है, ये अच्छा बोला भाई आपने. मतलब मैं सोच नहीं पाया था, मेरे को लगा मैं मुंह बना दिया क्या बोल रहे हैं. ऐसे होते हैं बच्चे, सोचने लगे तो अच्छा जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया. ठीक है, सोसाइटी में ग्रो करेगा कॉम्पिटिशन, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ. और बताइए फीचर्स. हाँ हाँ, ये स्टैंड ऑफ लिंक कुल मिला के भैया आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करता है. जैसे कि आप मेरे को अगर आप पीएससी के पहले देखोगे ना, तो समवेयर आई वॉज काइंड ऑफ नेगेटिव. वो आप मेरे से क्या सीखोगे यार, वो एक्सपीरियंस सीरियल हम सब देखे हैं ना. अभिलाष को आप देखो, वो पीएससी के पहले क्या कैरेक्टर था, इसको कैसे डेवलप करता है कि हर चीज में पॉजिटिव रहना है एक्सेट्रा. तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, इट्स ऑब्वियस. जो लर्निंग आपने पीएससी के दौरान, जो मैं अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूँ जो रियल में पीएससी निकालना चाहते हैं, वो इस बात को फील करेंगे कि जो आपने पीएससी के दौरान आपने अपनी पर्सनैलिटी में लाया वो लाइफ टाइम चलती है. आपके काम करने के तरीके में खून में समा जाती है, पता है वो तरीके, आपकी सोच, आपकी अप्रोच. फाइन, दिस पर्सनैलिटी ग्रो होती है, स्किल्स डेवलप होते हैं, सोसाइटी भी डेवलप होती है ऑब्वियसली. भाई अगर आपने दो लोगों के बीच कंपटीशन करा दिया कि डीसी दोनों में से एक ही बनेगा, तो भाई अल्टीमेटली सोसाइटी को ही फायदा है, सोसाइटी को अच्छा एक डीसी मिल जाएगा. अगर आप कंपटीशन करेंगे तो आप दोनों बेस्ट एफर्ट लगाएं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली कोई एक ज्यादा ऊपर गया, पोस्ट मिल गई एक्सेट्रा, तो सोसाइटी को देखो कितना फायदा हुआ. ठीक है, वेरी गुड. और बताइए नैतिकता. जस्ट कॉम्पिटिशन में नैतिकता की स्थापना होती है, एथिक्स स्टैब्लिश होता है. यस यस, यू आर राइट. कॉम्पिटिशन के फीचर्स बताएंगे आपको, आप इफेक्ट बता रहे हैं वो भी सही है, फीचर्स को थोड़ा और बताइए. ये मैं आपसे बोला था, प्रतियोगिता बच्चा डेलिब्रेट नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है. आपको ये कैसे पता चलता है कि कॉम्पिटिशन अनकॉन्शियस है? बिकॉज आप कॉन्शियस होकर ऐसा वो नहीं करते रहते कि इसको हराना है, इसको ये करना है. प्रतियोगिता में बस आप अनकॉन्शियसली प्रिपेयर करते रहते हो और आपका पीएससी निकलता है. अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से कंपेयर करोगे तो बच्चा आपको समझ में आएगा. कॉन्फ्लिक्ट आप डेलिब्रेटली करते हो, प्लान्ड तरीके से करते हो कि साला मेरे को इसको बस नहीं मिलना चाहिए, और आप ये सोचने की जगह कि जमीन मेरे को मिल जाए, आप ये सोचते हो कि इसको ना मिले, और क्या क्या मैं करूं कि इसको मत मिले. ओके, तो अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कॉन्फ्लिक्ट इज मोर डेलिब्रेट, मोर कॉन्शियस, जो आप बोल रहे थे कॉन्शियस, और आपका जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, पीएससी का एग्जाम है, इट इज मोर ऑफ अनकॉन्शियस इन नेचर, क्योंकि आप पर्सनल नहीं होते, आप प्लान नहीं करते हो सोच समझ के. इन दैट सेंस कंपेयर करने से समझ में आता है. ठीक है, और बताइए. वो सारा पॉइंट्स इसमें आ जाएगा फीचर्स में. वो तीन कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, ये पर्सनल नहीं होता, ये रूल्स के साथ होता है, और ये निस्वार्थ भावना आ जाएगी. और क्या बताया था? हाँ, अहिंस, नॉन वायलेंस में होता है. ठीक है, ये आपका फीचर्स क्लियर हुआ इसका. इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप प्रतियोगिता, ये आपके हिंदी मीडियम नोट्स में, इंग्लिश में सब में लिखा है, आप प्रतियोगिता कब तक करते हो बताओ? जब तक कि आपका स्वार्थ पूरा मत हो जाए. स्वार्थ यहां मैं कोई बुरे अर्थ में नहीं बोल रहा हूं. देखो, मैं कॉम्पिटिशन किया, मेरा एम क्या है? बस एओ बनना. जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को सिर्फ एओ बनना था. मेरे को इससे मतलब नहीं था कि मेरे को एओ बनने के बाद इसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, राइट? मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे मैं वो बन गया, मेरे को बाकी कोई मतलब नहीं. मेरा स्वार्थ पूरा हुआ, क्या मेरी प्रतियोगिता पूर्ण हुई? यस, हो गई. अब आप देखो, कोई प्रतियोगिता को कॉन्फ्लिक्ट बनाता है. अब उसका ये है कि मैं बनू ना बनू, ये नहीं बनना चाहिए. तो
तो यहां पे आपका एम क्या है? यहां पे जब आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हो, कॉन्फ्लिक्ट में आपका एम होता है कि पहला चीज तो डेफिनेटली मेरे को मिले मतलब मेरा स्वार्थ, मेरा सेल्फिशनेस, प्लस दूसरे को लॉस। समझ में आ रहे हैं ये थोड़ा? हाँ, मेरा स्वार्थ पूरा हो प्लस दूसरे को लॉस हो। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है बताओ? कंपटीशन में बस ये आपको खुशी मिले, आपका स्वार्थ पूरा हो, आपका कंपटीशन पूरा हो गया। वी ऑल एग्री, ये हम लोग बॉदर नहीं करते। कंपटीशन है ना, आप बॉदर नहीं करोगे। अरे सामने वाले को मिले तो अच्छी बात है, आपके साथ पढ़ता था उसको भी मिल गया, अरे भाई तेरे को भी मिल गया, बड़े अच्छी बात है, सिस्टम में मिल बांट के काम करेंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे। इन दैट सेंस मैंने बोला है ना, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती है बातें कभी कभी। ठीक है, इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, निरंतर है, स्वार्थ है। आप लोग मुझे बताइए सोसाइटी में आप लोग क्या चाहते हैं? अगर एक को एक ऑप्शन दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन आप बोल सकते हो कि ये, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, सृजनकारी, ये कुछ नया बनाता है। कॉम्पिटिशन से आप कुछ सृजनकारी होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, विनाशात्मक बोल सकते हो। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, ये सृजनकारी है। और इसी के साथ लिख सकते हो या इसी से अलग, क्या ये वांछनीय है? वांछनीय मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डिजायरेबल, दिस इज डिजायरेबल। कॉम्पिटिशन वी ऑल डिजायर, कॉम्पिटिशन खराब चीज नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, अब आप मुझे लास्ट मुझे बताओगे कॉम्पिटिशन के प्रभाव बताइए। मेरा क्वेश्चन, आई होप आप ध्यान से सुने हो, कॉम्पिटिशन के प्रभाव बताइए, मेरा सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन के प्रभाव जी, हेल्दी सोसाइटी, ओके, हेल्दी सोसाइटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्वस्थ समाज। और बताओ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रोग्रेस करेगी, पर्सन भी प्रोग्रेस करेगा, विकास होगा। और बताओ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाय द वे मैडम, ये दोनों को आपने अलग अलग क्यों बोला? एक ही चीज है ना, पता है आपको डिफरेंस? मेरे को पता है ना, मैं गेम खेल रहा था, बोला आप ही नहीं पता है सर, हमको टिका रहे हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? आप बहुत हंस रहे थे, बताओ जरा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? कब बोलते हैं कि ग्रोथ हुआ, कब बोलते हैं डेवलप हुआ? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई की ग्रो हुआ हो पर डेवलप नहीं हुआ हो? क्या ऐसा हो सकता है कि डेवलप हुआ हो, ग्रो ना? गलत है, गलत। आगे, ग्रो और डेवलप बताओ। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। हाँ, और हाँ हाँ, ये आप बोल सकते हो बच्चा, आप सही जा रहे हो, थोड़ा और एग्जैक्ट बोलेंगे, गलत। और बताओ, आप फिर फायदे में हो, हिंदी में दोनों को ही विकास बोल देते हैं, ऐसे नहीं, ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं। हाँ, तो वृद्धि और विकास मानते हैं, गलत। हाँ बच्चों बोलो, कोई कोई बुराई नहीं है ना, अटेम्प्ट करोगे तो याद रहता है। बिल्कुल, आप, मैं मजाक में बोल देता हूँ उनको, आप बोलिए, मुझे अच्छा लगता है, आप एफर्ट लगा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि मैं नहीं, आप में से कोई एक ना, वो 10 साल का रहा हो, वो बड़ा होते होते 25 साल का हो गया हो, ठीक है, लेकिन 25 साल का, 30 साल के होने के बाद भी आज भी वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। उसको होश नहीं है कि अब पैरों में खड़े होना है, पैसा कमाना है, उसको होश नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात करें। वो पहले भी अगर माँ बाप से बदतमीजी करता था, आज भी बदतमीजी करता है, गाली गलौज दे रहा है, मान लो एथिक्स नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, पान खा के थूके पड़ा है रास्ते में। तो मुझे बताओ, 10 से 25 हुआ कि नहीं एज, तो वो ग्रो किया, पर क्या उसका डेवलपमेंट हुआ? उसकी पर्सनल क्वालिटी बढ़ी? उसको समझ आई कि अब तू बड़ा हो गया है, अरे कुछ काम कर, या जो भी लगे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि आप ग्रोथ किया पर डेवलप। अब इसका उल्टा भी सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप पर्सन को देख लो, जो हो सकता है आज गरीब है, कल उससे भी ज्यादा गरीब है, पर वो क्वालिटी वाइज रिच कर गया। जो आप थोड़ा सा बोल रहे थे कि समझदार था तो और समझदार हो गया, पैसे की वैल्यू करता था तो और भी ज्यादा पैसे की वैल्यू कर रहे हैं,
और उसकी पैसा कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो ग्रो नहीं किया पर डेवलप किया। और अपने आसपास आप कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुन भी सकते हो कि साला ग्रो तो कर गया पर डेवलप नहीं हुआ, पैसे आ गए हैं इसके पास पर समझदारी नहीं आई, अभी भी वैसी का वैसी ही साला। ऐसे आसपास कई लोग दिखते हैं राइट, उनको आप बोल, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। आप लोगों में से किसी ने इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द बोल दिया था राइट, इकोनॉमिक, अगर मैं आपसे ये बोलूंगा क्या आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई, तो आप मेरे को ये बोलोगे हाँ सर ग्रो हुई है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, हमारी जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, हमारा बहुत ग्रो हो गया है सर। फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा क्या आपकी इकोनॉमी डेवलप हुई है, तो आप बोल सकते हो सर श्योर नहीं हूं मैं, हो सकता है ना, क्यों सर आज भी कई लोग गरीबी में ही रहते हैं, आज भी शिक्षा कई लोग के पास नहीं है। देन आप ये बोल सकते हो कि ग्रोथ तो हुआ पर आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट नहीं है, या इसका उल्टा भी हो सकता है राइट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझे, वृद्धि और विकास में। हम लोग कहां पे थे, कंपटीशन का आप इफेक्ट बता रहे थे, जल्दी से क्लोज करते हैं, कंपटीशन का इफेक्ट बताइए, और इफेक्ट कंपटीशन का इफेक्ट, ग्रो प्रोग्रेस हेल्थ और हेल्दी मतलब, और I'm not sure with the socialization here. Sure नहीं हूँ। और बताओ। वी फीलिंग आ सकती है इससे भी कॉम्पिटिशन में, आपस में आप अवेयर होते हैं दूसरे के लिए, जैसे पीएससी के चार पांच लोग मिलकर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, आप अवेयर होते हो, आपको क्वालिटी बढ़ता है, आपके अंदर वी फीलिंग आती है, दैट कुड बी वन थिंग। और बताओ कॉम्पिटिशन में और क्या है पॉजिटिव, क्या इसका इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट होता है, ओके गुड, कंपटीशन सोसाइटी को ग्रो मिलता है, सोसाइटी को अच्छी पोस्ट, अच्छा एक सोसाइटी को एक ज्यादा मतलब लर्न्ड और ज्यादा डेवलप्ड कैंडिडेट मिल जाता है कि ये डीसीआर ये कुछ करेगा, पढ़ लिख कर आया है, कॉम्पिटिशन निकाला है। ऐसा अभी आप सिस्टम में जाएंगे ना बच्चों, अभी आप जल्दी डीसी डीएसपी हो जो भी बनते हैं, तो आपसे बहुत बोला जाएगा अरे यार हम लोग तो ऐसे ही आ गए थे, उस समय एग्जाम होता नहीं था, आप लोग तो अभी के बच्चे हो, एग्जाम देकर आए हो, आप लोग की तो अच्छी खासी क्वालिटी होगी, ऐसा बोलेंगे आपको, क्योंकि बहुत टफ लेवल पे हो चुका है पीएससी, 10 साल पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो जितना टफ है कॉम्पिटिशन आप दोगे उतना ही आपकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। जल्दी बताओ कॉम्पिटिशन के इफेक्ट बताओ जल्दी, कॉम्पिटिशन के इफेक्ट बताओ जल्दी जल्दी, बोर्ड के देख के जल्दी बताओ। हाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ओके फाइन, अगर आपको मिल गया मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और बताओ रिस्पेक्ट मिलती है, फाइन। और मैं बार बार क्वेश्चन क्लियर पूछ रहा हूं आपसे, कॉम्पिटिशन के इफेक्ट बताइए, आप लोग नहीं बता पा रहे हो। हाँ लिमिट ऑफ मतलब क्या, इसका क्या मतलब लिमिट ऑपर्चुनिटी मतलब, तो क्या, हाँ तो क्या इफेक्ट क्या है, मैं समझ गया इफेक्ट क्या है इसमें, जी बताओ कोई इफेक्ट, फेयर, हाँ तो मुझे इफेक्ट बताओ ना, आप कैसे निकल रहे हैं, आपने अभी तक किसी ने सेकंड गियर नहीं लगाया राइट, पहले गियर में एक्सेलेरेटर दिए पड़े हो, आपको 10 पॉइंट मिला, आप एग्जॉस्ट भी हो गए, गियर चेंज करो बच्चा सेकंड गियर में, और आप इसका नेगेटिव बताओ ना मेरे को कि सर आप तो बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलो, कॉम्पिटिशन से स्किल बढ़ गया और मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं डिप्रेशन से सुसाइड करता हूँ, उसको कौन बोलेगा, वो भी तो यही चीज है ना, आपका कॉम्पिटिशन नहीं निकलता है, कई लोग सुसाइड करते हैं इससे, ठीक है। तो आपको गियर चेंज करने के लिए मैं बार बार हिंट कर रहा था, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा था कि पॉजिटिव बताओ, मैं बोल रहा था कॉम्पिटिशन के इफेक्ट बताओ, तो आपको खुद से सोचना था कि गियर चेंज कर लेते हैं, अब इसमें भी 4-5 पॉइंट बोलेंगे, इसमें 4 बोलेंगे, 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट से ज्यादा आपको पूरे पीएससी में कहीं नहीं लिखना है। पर हम लोग यही हमारी सोच हो जाती है कि हम लोग एक ही गियर पे एक्सीलेटर देते रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बार बार, आप लोग शायद बोर भी हो गए मेरे से, कि हमेशा ये पता करो कि पता क्या करना। अब आपको मैं नेगेटिव बोलूंगा ना, आप देखना कई लोग बोलेंगे, चलो बताओ नेगेटिव बताओ, चलो मेंटल प्रेशर और नेगेटिव क्या है बताओ, फियर और बताओ, लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है पढ़ते पढ़ते एक्सेट्रा, जो और बताओ नेगेटिव क्या है कॉम्पिटिशन में, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, लड़ाई भी तो हो सकती है कॉम्पिटिशन के चक्कर में, लड़ाई भी हो सकती है आपकी, अगर खराब हो गया चीजें तो कॉम्पिटिशन से नेगेटिव भी हो सकता है, आपका मेंटल ग्रोथ इन्फेक्ट और रुक सकता है, आपको ये लगता है भैया मैं तो नहीं निकाल पाया, फ्री दुनिया खत्म हो गई, मेरा जीवन पूरा कागज, आपको लगता है, मेरे को भी लगा अपने टाइम पे, ठीक है, तो भैया आप तो उल्टा और नेगेटिव चले जाओगे, आगे बढ़ना बहुत दूर की बात है, बहुत
खुश लग रहे हैं कि वो लोग जाते हुए एकदम, हम लोग मतलब बदकिस्मत ये सर रोक के रखे हैं। चलो ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ, इफेक्ट में आप दोनों लिखेंगे ठीक है। विद दैट आई थिंक मैं क्लास क्लोज कर सकता हूँ। आप लोग ज्यादा मैं थका हूँ भाई, ऐसे मुंह बनाते हो ना आप लोग, 3 घंटा लट्टे पट्टे बैठे हो और मैं सोचो सुबह से क्लास इज ओवर। ठीक है आप लोग पैकअप कीजिए।